किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी अपन बात की थी किसके बारे में बुढ़े बात कर रहे हैं बीफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी बुढ़े बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने मेन को पढ़ा था बेटू बात कर रहे हैं बेयर्स रेजेंट के बारे में क्या बोला था बेटू बात करिए 1% कोल्ड डायलूट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन होता है जिसका कलर कैसा होता है पिंक कलर होता है और अगर बुढ़े बात करें इसकी रिएक्शन किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कराई जाती है तो बुढ़े बात करें वहाँ पे पाई बॉन्ड टूट रहे थे केवल पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे बुढ़े बात करें वहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था याद आ रहा है और बुढ़े बोला था कि जैसे भी बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन की थी वहाँ पर एक एक ओएच जोड़ रहे थे याद है पाई बॉन्ड को तोड़ के एक जो भी डबल बॉन्ड के द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो भी वीडियो बात करें कार्बन जुड़े थे दोनों कार्बन को आप एक ओएच दे रहे थे अगर याद आ रहा है हाँ कि नहीं बुढ़े बात करें ये कंडीशन बनी थी अपने बोला था वीडियो बात करें सेन एडिशन किया था आपने किसके एक्शन में वीडियो बात करें एक तो बेस रिजिड और एक दूसरा हमारे पास क्या था ओशियम टेट्राऑक्साइड हाँ कि ना तो अपने चार पढ़े थे ऐसे एक तो बेस रिजिड दूसरा पढ़ा था ओशियम टेट्राऑक्साइड इन दोनों में हो रहा था सेन एडिशन बाकी अपने बुढ़े बोला था हमारे पास क्या परोक्सीएसिटिक एसिड इन वाटर और वीडियो बात करें O2 सिल्वर इन वाटर याद है इनके अंदर हो रहा था एंटी एडिशन आज पढ़ेंगे अपन बेटा बात करें क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चार ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ना है और ये गुड़िया बात करें किनका कर देते हैं इनके अंदर पावर गुड़िया हर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने की जैसे आपको पहले बताया था एल्कोहल का यदि एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होता है और फिर एल्डिहाइड से गुड़िया बात कैस्टर बदल जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए गुड़िया बात करें कौन सा एल्कोहल किस एल्डिहाइड में बदलता है तो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल ही गुड़िया एल्डिहाइड बदलता है लेकिन अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो गुड़िया बात करें उसका ऑक्सीडेशन किसमें होगा बेटा बात करें पहले कीटोन में होगा अपने बोला था वहाँ पर कीटोन का ऑक्सीडेशन बेटा बात करें ना तो ओजोन लाइन में अपने किया था क्या नहीं किया था ना क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन बेटा बात करें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर सकते तो कीटोन का ऑक्सीडेशन कौन करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन करते हैं वो भी लो टेम्परेचर पर नहीं कर पाते बेटा उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे अपन आज क्या पढ़ेंगे कीटोन का ऑक्सीडेशन भी पढ़ना आपको सिखाएंगे कैसे होता है कौन कर सकता है बात करें कीटोन का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन और किसके प्रेजेंस में कर सकता है बेटू बात कर बताओ हाई टेम्परेचर किसके प्रेजेंस में कर सकता है दीदी बात करें इसके लिए आपको उच्च तापमान की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे जो आपने बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़े गुड़िया बात करें तो वहाँ पे आपने केवल पाई बॉन्ड को तोड़ा यहाँ पे बोले जब स्ट्रॉन्ग पढ़ोगे तो पाई को तो आप तोड़ोगे साथ में क्या पढ़ोगे बेटा बात करें या सिग्मा को हम ब्रेक कर देंगे समझ पा रहे तोड़ने का तरीका वो ही गुड़िया बात करें एक एक क्वेश्चन दे करके उनको क्या कर देना इलिमिनेट कर देना तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात किसी बारे में बात करें गुड़िया इसको देखो आप ताकि जब आप पहला क्वेश्चन देख लो उसके बाद हमेशा जो भी क्वेश्चन है वो आपको ही करना है तो पहले नोट नहीं करना है ये क्या है बेटू बात क्या बताओ हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बोलिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो तो ये होते क्या है कैसे काम करते बोलिए बात करें ठीक है पहली बात इनका नंबर क्या होता है नंबर की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बेटा बात करें मेनली कितने हैं चार ठीक है और तो बहुत सारे हो सकते हैं बात करें पर आपको उनकी जरूरत है ही नहीं ये कौन कौन हो सके बताओ बेटू बात करें मे भी कोई भी इनमें से दीदी आपको दे सकता है ठीक है कौन कौन सा दे सकता है बताओ बेटू बात करें पहला जी एसिडिक बोलती जाओ एसिडिक गुड़िया बात करें क्या K2Cr2O7 और आप देखो गुड़िया बात करें जनरली K2Cr2O7 जब भी काम करेगा वहाँ बेटू बात करें आपको कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा एसिडिक मीडियम तो K2Cr2O7 कई बार गुड़िया बात करें वो एसिडिक मीडियम नहीं लिखता है पता है तो वो क्या लिख देता है K2Cr2O7 और पीछे लिखा देता है गुड़िया बात करें H+ मतलब साथ में क्या था एसिड था अब एसिड कुछ भी हो सकता है HCl H2O4 HNO3 कुछ भी हो सकता है मतलब गुड़िया बात करें हमारे पास प्रोटोन डोनेटिंग स्पीसीज क्या कहलाती है एसिड कहलाती है तो या तो ये था आपने जब भी एक्शन देखा होगा K2Cr2O7 का तो गुड़े बात करें उसके साथ आपको ये लगभग जरूर मिला होगा ये नहीं मिला होगा तो ऐसे गुड़े बात करें ऐसे भी लिखा होगा HCl H2O कोई भी अगर ये नहीं लिखा होगा तो गुड़े उसने आगे लिख दिया होगा बेटी बात करें क्या एसिडिक क्या लिख दिया होगा बेटी बात क्या बताओ एसिडिक लिख दिया होगा ठीक है एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7 तो या तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं दूसरी कंडीशन की बात करें हमारे पास क्या जाएगा बेटा एसिडिक K2Cr2O7 की बात क्या आएगा K2XZ KMnO4 की बात कर लो तो एसिडिक K2Cr2O7 एसिडिक गुड़िया बात करें कि KMnO4 ये भी क्या किस कंडीशन में लेगा आपको आपसे क्या बोले बोले एसिडिक कई बार नहीं दिया जाएगा तो वो क्या देगा आपको H+ देगा H+ नहीं देगा तो क्या लिखेगा तो HCl H2O4 HNO3 कुछ भी बोलेगा पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये गुड़िया बात करें कि KMnO4 का एक्शन जब भी आप करोगे आप एसिडिक मीडियम में ही करोगे थर्ड नंबर पर अगर अपन आते हैं
तो थर्ड नंबर पे बात करें आपको KMnO4 को ही लेना है। किसको लेना बेटू बात करें? KMnO4। लेकिन अभी आपने लिया था एसिडिक, अब लोगों बेटू बात करें एल्कलाइन। क्या लोगों बेटू बात करें? पर एल्कलाइन की अगर बात करें, जब भी आप लेते एल्कलाइन का मतलब क्या बेटू? बेसिक। और आप इसको बेटू कोल्ड नहीं ले सकते, हॉट लेना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा बात करें? हॉट एल्कलाइन। क्या लिखेंगे बेटू बात करें? हॉट एल्कलाइन KMnO4। आ रहा है? तो हॉट और बेटू बात करें एल्कलाइन, मतलब बेसिक KMnO4। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो अगले बेटा बात करें हमारे पास NBIO4। अगर आपको ये दिख रहा होगा, समझ पा रहे हैं ये कहाँ से बना? HClO4 से। HClO4 लोगों ने क्या बोला था बेटा बात करें? पाराक्लोरिक एसिड। तो अगर बेटे सोचो ये यहाँ पे सीएल की जगह आई होता तो क्या बोलते हैं? पाराआयोडीनेशन। पाराआयोडीनेशन में अगर एच प्लस हटा दें हम, समझ पा रहे बेटे बात करें? अब एच प्लस हटता कहाँ से? आपने कभी भी देखा होगा आयोडीन का स्ट्रक्चर भी किस तरीके से होता है? आयोडीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड की बात करें OH, आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ से ऑक्सीजन से केवल बुढ़े बात करें एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स जुड़ा है। तो बुढ़े बात करें ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन चार एच प्लस की फॉर्म में हट जाएगा। एच प्लस की फॉर्म में हटेगा, बुढ़े बात करें क्या बन जाएगा कंपाउंड आपका? बुढ़े बात करें बताओ क्या बन जाएगा कंपाउंड आपका? याद है ओ नेगेटिव बनेगा, ठीक है? इसको बंदी क्या बोलेंगे? पर आयोडेट। क्या बोलते हैं? अगर ये क्लोरीन होता तो पर क्लोरेटाइन बोलते, क्योंकि पर क्लोरिक एसिड से बना था। ये है दीदी पर आयोडिक एसिड, तो एच प्लस हटेगा तो क्या बोलोगे उसको? पर आयोडेटाइन। आ रहा दोस्तों? नहीं आ रहा। तो बुढ़े बात करें इस हमारे पास नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने यहाँ पे क्या लगा दिया साथ में? सोडियम। तो एन ए प्लस प्लस माइनस सब, तो में बुढ़े बात का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है? तो इसको अपन क्या बोल देंगे बेटू बात का बताओ? सोडियम पर आयोडेट। क्या बोलते बेटू? तो सोडियम पर आयोडेट बुढ़े बात करें किसके साथ बेटू बात करें? KMnO4 के साथ। हाँ जी ना, तो यदि बात करिए कंडीशन आ गई, मतलब ये चार्ज जहाँ भी आपको मिल जाए इसका मतलब, इसका मतलब हम क्या समझना बेटू बात करें? यहाँ पे हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन मुझे बात करें प्रोसेस देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होती क्या है मुझे बात करें? ब्रेक डाउन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मुझे बात करें हमने एस बार पाई बॉन्ड, मतलब मुझे बात करें सिग्मा को भी तोड़ोगे और किसको तोड़ोगे बेटू बात करें? पाई को भी अपन खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले अपन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अब ये याद रखना है एसिडिक K2Cl2H7, एसिडिक पूरी बात करें KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4, सोडियम धीरे बात करें पर आयोडेट किसके साथ? विथ KMnO4। आ रहा नहीं आ रहा? ये चारों बेटू बात करें जब भी मिलेंगे किसी प्रोसेस में बुढ़े बात करें ये क्या करेंगे? ये बुढ़े बात कर पता ऑक्सीडेशन करेंगे कंपाउंड का। ऑक्सीडेशन का मतलब है वो कंपाउंड में जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अपन कोई भी कंपाउंड उठाते बुढ़े बात करें सबसे पहले एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है? जैसा ये काम करेगा बेटू वैसा ये करेगा। मैं लिखूंगा किसी एक को, इसका मतलब आपको चारों को वही समझना है, ठीक है? जैसे अपने लिखा बेटा बात करें CH3, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH, ठीक है? डबल बॉन्ड बेटा बात करें CH, और सिंगल बॉन्ड क्या लिखते हैं बेटा बात करें C3। ऐसे एल्कीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है क्या बेटा बात करें? जहां बेटा बात करें जब जब तुम डबल बॉन्ड से तोड़ो तो मतलब बेटा बात करें जो ग्रुप इस तरफ मिले वही ग्रुप इस तरफ मिले, मतलब आपको दो इक्वल बेटा बात करें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है? ऐसे एल्कीन को अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। जब भी आप बेटू बात करें इसके ऊपर एक्शन कराओगे, किसके ऊपर बुढ़े बात करें? आपने देखा इसके ऊपर हम एक्शन कराते हैं, ठीक है? चलो वहां से उठा लेते हैं ताकि अपने पास जगह ज्यादा हो जाए, है ना? यहाँ से उठा ले इसको। क्या उठा बेटू बात करें? आपने ये क्या लिया था CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इसका एडिशन हम क्या बनेगा बेटू? याद आ रहा है ब्यूटेन। आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसके ऊपर बुढ़े बात करें रिएक्शन कराई आपने ब्यूटेन के ऊपर, रिएक्शन किसकी कराई बताओ बेटू बात करें? ब्यूटेन के ऊपर रिएक्शन कराई आपने जी बुढ़े बात करें K2Cr2O7, हाँ की ना, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। अब देखो बेटू बात कर वही H+ लिखा कि नहीं लिखा? अरे लिखा। तो बुढ़े बात करें इसकी रिएक्शन कराई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ की ना, व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म? तो प्रोडक्ट क्या बताओ बेटा बात कर बनेगा? किसके लिए बनती थी बात कर? देखना पड़ेगा अपन को, है कि नहीं? तो चंद्र जी देख ले बेटू, चलो देखते हैं। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बुढ़े बात करें अपन क्या करेंगे? उठाए हमने क्या CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है? सबसे पहले बुढ़े बात करें क्या करोगे? जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7, हाँ कि ना, ये जब एक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में करेगा बेटू बात करें? एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। मतलब यहाँ पे बुढ़े बात करें क्या करना है आपको? ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक है? मतलब एक एक OH जोड़ना है। तो आप एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे, पहले किसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे लोग बताओ? एक बॉन्ड को, मतलब एक सिग्मा पाई है बेटा, तो पहले बोलो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? पहले बुढ़े बात करें पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है? पाई बॉन्ड को ब्रेक किया बुढ़े बात करें तो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH बोलो बात करें सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें, ठीक है? CH और क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है? और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बेटू बात करें? OH। ये आ गया बेटू बात करें यहाँ पे क्या? OH। और यहाँ भी क्या आ गया?
दीदी बात करे ओ एच जुड़ा कि जुड़ा, अभी हमारे पास पाई बॉन्ड है कि नहीं, अगेन बी टू बात करें क्या करो, अगेन ऑक्सीडेशन करो। ओ लिखने का मतलब क्या, बी टू बात करें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बी टू बात करें अगेन क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है, और एक एक ओ एच फिर से जुड़ जाएगा। मतलब जो कंपाउंड था वो ये था, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, बी टू बात करें क्या, सी एच, ठीक है, बुढ़े बात करें प्लस, अभी टूट चुका है पूरा कंपाउंड, ठीक है, तो क्या आ गया सी एच, और बेटा बात करें क्या सी एच थ्री। अब आपको पता है मुझे बात कर, एक एक बॉन्ड तो पहले से ही लगे थे, तो ई ओ एच, लेकिन अभी यार देखो क्या कार्बन की बैलेंस ही चार है, नहीं क्योंकि बॉन्ड आपने तोड़ा तो एक एक बैलेंस और कम हुई, बोलू तो एक एक बैलेंस अगर कम हुई तो इसलिए अपन फिर से जोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा बात करें बोलो एक एक ओ एच और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक एक ओ एच और आ जाएगा, ठीक है ओ एच, अरे हाँ की ना, अब देखो इस कार्बन की बैलेंस चार हुई होगी, वन टू थ्री, इस हाइड्रोजन को पूरा खोलना तो खोल दो पूरा, अब दिख रहा है आपको चार बैलेंस बेटा कि नहीं दिख रहा है आपको, बुढ़िया बात करें चारों की चारों कार्बन वैलेंसी दिखने लगी होगी। अब यहाँ से क्या होगा बेटू बात करें, आपको बताया था कि एक कार्बन जब दो एच होते तो वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब आपको बुढ़िया बात यहाँ से क्या निकाल देना, बेटू बात करें एक्जैक्ट यहाँ से आपको वाटर निकाल देना, ऐसे अगर बेटू बात किसका देखो नहीं दिख रहा आपको, इधर ही लिखा रहता हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए, ठीक है, इस तरीके से बेटू बात करें क्या निकल गया, वाटर निकल गया, बुढ़िया बात करें इसका ऑक्सीजन बचेगा नहीं बचा, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बची, बुढ़िया बात करें तो सोचो अगर यहाँ से क्या जाएगा, ओएच नेगेटिव जाएगा, ओएच नेगेटिव क्यों, क्योंकि कार्बन कंपेयर ऑक्सीजन ज्यादा, बुढ़िया बात करें पावरफुल है, अरे यार नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड पूरा बेटा यहाँ से निकाल दो, दिख रहा है बोलो ये वाला बॉन्ड, तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड निकल गया ओएच, और यहाँ पे बेटा बात करें कार्बन किसके फॉर्म में गया, एच प्लस के फॉर्म में, ऐसे ही बुढ़िया बात करें यहाँ भी हुआ, जो हमारे पास ये बॉन्ड ये ओएच गया, बुढ़िया बात करें तो ओएच का मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड था वो कार्बन ऑक्सीजन का था, बुढ़िया बात करें लेकिन ऑक्सीजन मोर लेकिन नेगेटिव कार्बन के कंपेयर में, तो ऑक्सीजन क्या करेगा पूरा बॉन्ड लेके जाएगा, तो ओएच नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा। और बुढ़िया बात करें अगर तुम यहाँ पे देखो जो ये बेटा बात कर ओएच था, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार और देख लो, ये क्या था बेटू बात करें एच, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच में अगर बॉन्ड है बेटू बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो बुढ़िया बताओ ये ऑक्सीजन पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसका, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में जाएगा एच प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ से एच प्लस जाएगा बुढ़िया बात करें, हाँ कि नहीं, यहाँ से क्या जाएगा बताओ बेटू बात करें ओ एच निगेटिव जाएगा, अल्टीमेटली क्या निकल गया वाटर निकल गया, बुढ़िया बात करें वाटर निकला कि निकला, जो ये बॉन्ड था बेटू बात करें ऑक्सीजन का वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, जो ये बुढ़िया बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था कि नहीं था बेटू, ये वाला ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटू बात करें बताओ, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और दीदी बात करें ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, क्योंकि कार्बन की अगर दीदी ओएच चला गया, कार्बन से ओएच नेगेटिव गया तो कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, और बुढ़िया बात करेगा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इसलिए कार्बन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है, इसलिए बुढ़िया बात करें क्या करेगा ये ऑक्सीजन किसको दे देगा इलेक्ट्रॉन कार्बन को हाइड्रोजन वाला, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी, तो कार्बन का पॉजिटिव कैंसिल, इलेक्ट्रॉन बुढ़िया बात करें हाइड्रोजन से चला जाएगा तो मतलब ऑक्सीजन से चला जाएगा तो ऑक्सीजन का दीदी बात करें क्या नेगेटिव कैंसिल। अगर आपने ये प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में आपने क्या किया दोस्त, याद है आपको, मैंने यहाँ पे बुढ़िया बात करें वाटर को हटाया, किसको हटाया वाटर को हटाया, अभी एक वाटर हट रहा है दो हट रहा है ये दीदी बड़ी बात नहीं होती, ये तो उनको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, बना के आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से ये बना, क्या बना बेटू बात करें सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड बेटू बात करें, ठीक है देख रहा है सी एच, और बेटू बात करें क्या सी डबल बॉन्ड आ रहा है, बोलू सी डबल बॉन्ड मतलब क्या बना बेटा बात करें एल डी बन चुका, सी एच क्या है एल डी है, लेकिन उसके पीछे अगर एम अगर मैथ लगा तो इसका मतलब क्या है वो, और बुढ़िया बात करें दूसरा ग्रुप भी क्या बना दोस्तों हमारे पास सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी दीदी बात करें एच और डबल बॉन्ड क्या बना बेटा बात करो, मतलब ये भी क्या बताओ बेटा बात करें एल्डिहाइड के पीछे अगर हमारे पास मेथिल ग्रुप है तो क्या बोलोगे एसिटिल एल्डिहाइड, हाँ कि ना, या एसिटिल एल्डिहाइड, अरे बोल सकते नहीं बोल सकते, तो बुढ़े बताओ क्या मिले आपको टू मोल मुझे बोलिए बेटू बात करें क्या एसिड दीदी बात करें, ठीक है मतलब ये वाला कंपाउंड किसे बदल जाएगा बेटा बात करें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड बेटू बात की आ गया हो आए कि नहीं यार ओ एच, और बेटू बात कर दूसरा कंपाउंड भी क्या बन जाएगा बोलो बात कर बताओ सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड क्या कर बेटा बात कर ओ एच सिंगल बॉन्ड क्या आ गया ओ एच। इसका मतलब आपको ये पता चल गया, क्या पता चला दोस्त बताओ हमारे पास कि बुढ़े आपके दो मूल क्या मिल गए आपको, यहाँ मुझे टू मूल मिले बेटू बात कर एसिटिक एसिड, क्या मिल गया मुझे एसिटिक एसिड आ रहा नहीं आ रहा, तो दो मूल बुढ़े बात कर एसिटिक एसिड, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, क्या है बुढ़िया बात कर फाइनल प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है ये क्या था हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, क्यों क्योंकि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और हो नहीं सकता, तो स्टार्ट किया बुढ़िया बात कर अपने कहां से बेटा बात कर एल्कीन से, कहां स्टार्ट किया था बताओ बेटू बात कर ब्यूट टू इन, मतलब एक एल्कीन से स्टार्ट किया था
अरे किया था कि नहीं किया था? तो ब्यूटुइन का मतलब क्या है बेटू, बात कर, एक एल्कीन था, एल्कीन से बुरे बात क्या, अपने क्या बनाया पहले बेटू, बुरे एल्कोहल, एल्कोहल से क्या बनाया बताओ दीदी, अपने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनाया एसिड, मतलब फाइनल बुरे बात कर एसिड तक ही ऑक्सीडेशन हो सकता है। एल्कीन से स्टार्ट किया था, एल्कोहल बनाया, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड के बाद क्या बनाया एसिड बनाया, ये याद रखना बुढ़िया बात करें, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है बुढ़िया बात करें कि इस तरीके से K2Cr27 काम करता है। K2Cr27 बुढ़िया बात करें तब तक काम करता रहता है जब तक कि बुढ़िया बात करें आपके डबल बॉन्ड से जुड़े बुढ़िया बात करें जो कार्बन है वो किसमें नहीं बदल जाते, एसिड में नहीं बदल जाते। सीधी सी बात है बुढ़िया बात करें, आप जरा देखो हमने बोला कि आपसे ये बोला बुढ़िया बात करें कि जो भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े मतलब जो भी sp2 कार्बन है, कैसे कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज, देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास, तो जो भी बुढ़िया बात कर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन होते हैं वो कार्बन जब तक एसिड में नहीं बदलेंगे तब तक K2Cr2 रिएक्शन को आपको रोकना नहीं है, समझ में आ रहा, सीधी सी बात है। अब आपको एक चीज याद होगी कि क्या बनता है कैसे बनता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एल्कीन से रिएक्शन स्टार्ट होगी बुढ़िया बात कर तो कहां रुकेगी बेटू बात करें, ऐसे बुढ़े डबल बॉन्ड का ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड का कैसे बन देखेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताऊं बुढ़िया बात का शॉर्टकट में अगर मुझे करना है तो इसी रिएक्शन को मैं कैसे करूं, शॉर्टकट में दीदी बात करें करना है, याद है अपने वो में हर चीज का शॉर्टकट बताइए बेटा बात करें, शॉर्टकट बहुत जरूरी होती है बुढ़िया बात कर, ठीक है, हमने देख तो लिया कि कैसे होता है पर इंपोर्टेंट ये कि भैया पेपर में हमें दीदी आंसर चाहिए, हमें तो अपना करेक्ट आंसर पहचाना और आगे बढ़ना है कि नहीं, कम से कम टाइम जितने कम समय में बुढ़िया बात कर अपना काम कर पाए होगा क्या, उठाओ बुढ़िया बात करें शॉर्टकट में, शॉर्टकट में इसका मतलब बुढ़िया बात कर हमने अपना एल्कीन लिया, एल्कीन क्या था बेटू बात कर आपका बताओ बेटू, CH ब्लू बात करें, हाँ कि ना, C3CH डबल बॉन्ड बेटू बात करें क्या था CH और सिंगल बॉन्ड CA3 यही था कि नहीं था दोस्त आपका, तो ये ब्यूटीन था, इसके ऊपर किसी एक्शन कराई थी आपने बुढ़िया बताओ जी, इसके ऊपर आपने एक्शन कराया था बुढ़िया बात जी, हाँ इधर में ले लू क्या, हो नहीं जाएगा, हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्त इसके ऊपर जैसे अपने गुरु रिएक्शन करें कोई भी ले सकते इनमें से, लेकिन आपने यहाँ पे ये लिया तो वही देंगे अपन K2Cr27 बीटा बात इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, K2Cr27 की रिएक्शन करना है पर एसिड की प्रेजेंस में, तो करना क्या बोलो बात करें सीधी सी बात है डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, क्या करना है याद है अपने क्या बोला डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को बुढ़िया बात कर तोड़ दो, अब सोचो बेटू डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो बुढ़िया कार्बन की बैलेंस कितनी कम होगी बताओ, दो, क्योंकि दो बुढ़िया एक बॉन्ड बना था कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ, दो बॉन्ड बनाए थे आगे वाले कार्बन के साथ, ऐसे ही इस कार्बन का हाल था, एक इसने बनाया था CH3 के साथ, एक बॉन्ड बनाया था H के साथ, दो बनाए दो थे इस कार्बन के साथ, तो बुढ़िया सोचो अगर आप डबल बॉन्ड को बेटा ब्रेक कर दोगे तो इसकी दो बैलेंस कम, इसकी दो बैलेंस कम, तो एक एक ऑप्शन इसको क्या करो बुढ़िया दे दो, एक ऑप्शन डायरेक्ट दो, इसका मतलब आपने बीच बार ये रिएक्शन किए नहीं, आप सीधे इस पर आ गए, समझ आ रहे दोस्त, देख रहा कि दिख रहा है बोलो, आपको कोई जरूरत नहीं कि एक बॉन्ड तोड़ा फिर वो दे रहा है दूसरा बॉन्ड तोड़ा फिर वो दे रहा है फिर अपन पानी हटा रहा है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, सीधी बात है दीदी बात करें बैलेंस ही खत्म हुई, हमने क्या किया बेटू बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें, हाँ कि ना CH और बेटा बात करें डबल बॉन्ड दो, आया तो उसकी नहीं आया, ऐसे बेटा बात के दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया, नहीं बन गया तो उसको हम एक साथ लिख दे क्या, दो मोल लिख दो सीधा, चलो खैर आप कह रहे हैं पूरा ही लिख देते, ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई करने की जरूरत होती नहीं है बुढ़िया बात करें, ठीक है CH डबल बॉन्ड आया तो उसके नहीं आया, आगे बुढ़िया उनको पता होता है कि है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ये रुकेगा कब तक नहीं जब तक एसिड नहीं बदलेगा, इसका मतलब वो लोग बात करें क्या करें, क्या करें बेटा बात करें एक एक ऑप्शन और दे दो, तो जो बुढ़िया बात करें कार्बन हाइड्रोजन है उसके बीच में एक एक ऑप्शन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जो कार्बन हाइड्रोजन उसके बीच में एक ऑप्शन और आ जाएगा, तो अगेन बेटू बात करें क्या कर दो ऑक्सीडेशन, अगेन क्या करो ऑक्सीडेशन करो, कर पाओगे अगेन बुढ़िया बात करें इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बताओ क्या बन जाएंगे, दो मूल मिल जाएंगे हमें, दो मूल अब एक सीधे रख दूं बेटा बात करें, दो मूल मुझे क्या मिलेंगे बताओ बेटा बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बुढ़े बताओ यहाँ पे एच था ही नहीं था पर एच और दीदी बात करें कार्बन के बीच में क्या लगाना है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसा आपने इसके साथ काम किया इस एल्डिहाइड के साथ, जैसे किसके साथ करेंगे इस एल्डिहाइड के साथ, और बेटू बात करें आपका क्या मिल जाएगा आपको एसिड, क्या मिल जाएगा एसिड, और ये प्रोसेस बुढ़े बताओ ऑक्सीडेशन है कि नहीं है, ये प्रोसेस जो आप पढ़ रहे हैं बेटा बात करें ये ऑक्सीडेशन है भी कि नहीं है, ये कैसे पता करें आप बुढ़े बात ऑक्सीजन निकाल लो, आपको पता है बेटू बात करें यहाँ पे क्या था एल्डिहाइड था कि नहीं था, सी डबल बॉन्ड गुरु बात करे ओ बेटा बात करे क्या था एच था, और बेसिक कंडीशन इसकी थी, जरा निकालो गुरु ये कार्बन बेटा पीछे किससे जुड़ा है, ये कार्बन पीछे कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, दीदी अपन को पता है इस कार्बन ने इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था अपना ये, तो दीदी इसका इलेक्ट्रॉन ना तो ये दे पाएगा ना बेटा इसका इलेक्ट्रॉन ये दे पाएगा, दो बुढ़िया बात करें इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, और दो इसमें ऑक्सीजन ने भी तो दिए थे, लेकिन बुढ़िया पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा बात करें जब भी पूरा का पूरा बॉन्ड लेगा तो बताओ कार्बन ऑक्सीजन के पास अपने तो जाएगा साथ में कार्बन इलेक्ट्रॉन भी चला गया, एक तो लिया गुड़िया देखो ये बॉन्ड तो टूटा ही नहीं, अभी एक बॉन्ड ये ले लिया एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना आएगा प्लस वन, और दूसरा का बेटू बात कर ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन का तो कितना आ गया प्लस टू, ठीक है
अब दूसरा क्या था गुड़े बात, हाइड्रोजन। अब आपको पता है गुड़े बात कर हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है हमारे पास, लेफ्ट में, और कार्बन कहाँ है, राइट में। तो मतलब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। यहाँ गुड़े बात, कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, तो फिर कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा हाइड्रोजन का। तो मतलब कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, तो कार्बन को जैसे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा माइनस बनाएगा, नेट चार्ज कितना के दोस्त प्लस बनाएगा। मतलब एल्डिहाइड में कार्बन का चार्ज क्या था गुड़े बात कर, प्लस वन। जरा एसिड में आ जाओ दोस्त, कार्बन के साथ गुड़े बात कौन जोड़ा था, इधर दिख रहे आपको ये वाला कार्बन के साथ दीदी कौन जोड़ा था, कार्बन। मतलब ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, लेकिन गुड़िया अब कार्बन ने दो बॉन्ड किसके साथ शेयर किए बताओ, बेटी बात करें ऑक्सीजन के साथ, बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा तुम बताओ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा माइनस, ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए ना कार्बन के, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस। अब गुड़िया बताओ एक और आगे क्या, ये कार्बन किससे जुड़ा था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था ना कि हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन बेटू ऑक्सीजन से जुड़ा है, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया, इस ऑक्सीजन के साथ। तो बताओ गुड़िया ये ऑक्सीजन फिर से एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो बताओ फिर से एक प्लस बनाएगा नहीं आएगा, मतलब कितना होगा नेट चार्ज बेटू प्लस थ्री। तो गुड़िया बात करें एल्डिहाइड में कार्बन प्लस वन से कहां जा रहा है, प्लस थ्री की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, इससे अपन गुड़िया बात करें क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। आप बोलो कंपाउंड कैसे स्टार्ट किया, इसका देखना मुझे, देखो ना गुड़िया कार्बन यहां पे जो बात कर रहे हैं, हां कि ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड यदि कार्बन, ऐसे ही हाइड्रोजन का भी केस है, नहीं देख रहे आप मुझे, तो इन कार्बन से मतलब जिनका आप एसिड बदल रहे हो, ठीक है। देखो इसकी वैलेंसी चार होगी, अब ये गुड़िया ये कार्बन पीछे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर कर रहा है, जो कि बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात कर इसने इसके साथ शेयर किए, दोनों की इलेक्ट्रॉन भी बराबर, दोनों स्पीड में स्पीड हुए, कोई किसी का नहीं ले पाएगा। देखिए गुड़िया बात कर, अब एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया इस हाइड्रोजन के साथ, आपको पता है ये दीदी बात कर दो डिफरेंट एटम हो गए, समान एटम के बीच में बॉन्ड आपको नहीं तोड़ना है, ठीक है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिविटी बराबर होती है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, ठीक है। अगर तोड़ना भी दीदी बात कर, तो अपन कैसे तोड़ेंगे, होमोलाइसिस। देखो अपने होमोलाइसिस करके तोड़ा कि तोड़ा, ऐसा नहीं किया कि बेटा इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे, इसको दे, इसका दे दिया, क्योंकि दोनों बराबर पावरफुल है, जब तक बन रही साथ रहो, दीदी बात कर नहीं बन रही, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ। अब यहाँ पे देखो गुड़िया बात कर, हुआ क्या, इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन हाइड्रोजन में इतनी पावर नहीं कि वो गुड़िया किसके इलेक्ट्रॉन ले जाए, कार्बन का, लेकिन कार्बन में पावर है कि वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो बताओ कार्बन के इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ तो माइनस बनाया, ऐसे बेटा बात कर इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ये कार्बन अगर लेगा तो माइनस बनाया कि नहीं। मतलब गुड़िया बात कर, स्टार्ट कहां से हुई थी हमारी रिएक्शन, माइनस वन से, कहां गए बेटू बात कर तुम, प्लस वन, एल्डिहाइड में जब गए कि नहीं गए, तो माइनस वन से स्टार्ट किया बेटा बात करें, प्लस वन पे पहुंचे, प्लस वन से गोलू बात करें कहां पहुंच गए बेटा बात करें, प्लस थ्री तक पहुंचे, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखो गोलू बात करें माइनस से प्लस और प्लस से और प्लस, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ही गोलू कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। कुछ समझ में आया नहीं, बस इतना सा पर्पस है, मतलब ये जो पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाकई ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये यहां गुड़िया बात करें कंसेप्ट क्या निकल गया है बेटू बात करें, हमें देखो करना क्या है, अगर हमें गुड़िया बात करें ट्वेल्थ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ में ही आपका एसिड एल्डिहाइड है आपकी दोस्त, तो बेटू बात करें तभी आपको कभी नहीं पूछता कि गुड़िया बताओ मैकेनिज्म बताओ, आपसे ये पूछता है गुड़िया बात करें कि जब इस कंपाउंड के ऊपर इसकी रिएक्शन हुई तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें गुड़िया बात करें क्या बनाना था, अब वो बात क्या सीधी बात हमें याद हो गई, याद क्या हुई दोस्तों हमारे पास, कि जब भी गुड़िया बात करें एल्कीन हो या फिर क्या हो एल्काइन हो, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े होंगे हम तो बस उस कार्बन को बदल देंगे भैया एसिड में, इसका मतलब दोस्त हमें और कोई लेना नहीं, यहाँ से पूरा बॉन्ड तोड़ो एक साथ, समझ में आ रहा है दोस्त, एक एक स्टेप में तुम्हें तोड़ने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने बताया आपको वीडियो होता है क्या, एक एक स्टेप में गुड़िया बात कर आपको एक एक बॉन्ड तोड़ जाना, एक एक ओएच देते जाना, लेकिन आपको तो सीधा करना है, करना क्या, पूरे बॉन्ड को तोड़ो और गुड़िया इस कार्बन को एसिड बदल दो बेटा, इसको एसिड बदल दो, समझ पा रहे, अब ये अलग बन गया, जैसे तुम तोड़ दोगे तो इसका अलग रिलेशन है, ये अलग हो गया नहीं हो गया, इनके आपस में कब तक जुड़े, जब तक ये बॉन्ड बने, जैसे आपने दीदी बात की बॉन्ड को तोड़ा, अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये गुड़िया बात का दो कार्बन का कंपाउंड अलग, ये दो कार्बन का कंपाउंड अलग, मतलब दीदी बात करिए दो कार्बन के एसिड बन जाएगा, ये भी दो कार्बन के एसिड, मतलब इसे दो मोल मिल जाएंगे मुझे, समझ में आ रहा है कि यार। तो बेटू बात कर आपको इस तरीके से ये रिएक्शन कर देनी है, याद आ जरा बीक, बेटू बात कर बीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे आपने, बीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो सामने के हमारे पास किसको तोड़ा था, पाई बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ा था, वहां गुड़े डाई कीटोन बना था ट्रिपल बॉन्ड वाला केस, अगर याद आ रहा है तो अपने गुड़े बोला देखो हमारे पास याद है डाई कीटोन का भी ऑक्सीडेशन किया था, लेकिन सिंगल गुड़े बात कर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं किया था, याद आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन बेटू आ जाएगी, क्या शॉर्ट कट तरीके से कर पाओ क्वेश्चन, क्या नहीं कर पाओगे। अब गुड़े बात करें कुछ हमारे पास कंडीशन है, इसको हमेशा याद रख लेना, इसलिए गुड़े बात के आपको बताते हैं क्या चीज़ गुड़े बात कर, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3CHO, ठीक है, या फिर कोई भी देख लो आप, R की जगह कुछ भी ले सकते हो, एथल मेथल प्रोपाइल ब्यूटल जो भी दिल करे आपको बोल लेना, ठीक है। अगर इसके साथ क्या दे रखा था बताओ बेटू बात करिए, RCHO मतलब जानते हो क्या है, ये एल्डिहाइड, इसका दिल कर आपका दिल करे कि खोल ला इसको, तो करो पूरा खोल लो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है बेटा कि नहीं, ये R गुड़े बात के वेरिएबल ग्रुप है कि नहीं, ये क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं बुढ़िया, एल्डिहाइड के ऊपर जब भी गुड़िया एक्शन होगा किसका एक्शन होगा बेटू बात कर, केटू शैडो शिमन का। अब आपको सोचो गुरु बात, वो एल्किन को बदल रहा है तो फिर एल्डिहाइड को तो आराम से बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा, अगर बेटू बात कर एल्किन है तो काम कर ही देता, लेकिन एल्डिहाइड भी कभी बीच में बन जाए तो इसको रोकना नहीं है,
K2Cr27 हो चाहे KMnO4 हो, इसको किसमें बदल के रहेगा, वो एसिड में बदल के रहेगा। C डबल बॉन्ड बेटा बात करें OOH, ये एसिड है, क्या है एसिड है। प्लीज मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगा दोगे वो एसिड बन जाएगा। एसिड में दो ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन मतलब एल्डिहाइड बेटा एक ही होता है। जैसा दीदी एसिड में दो ऑक्सीजन होते हैं वैसे हमारे पास एस्टर में दो होते हैं, अपन ने बात की थी उस टाइम याद आ रहा है। जबकि बेटू बात करें एल्डिहाइड हो ईथर हो इनमें क्या होता है, एल्कोहल हो इनमें क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप बोलो कि सर एच ले, तो उसे हम लेगा एच ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ ले लिया और क्या ले लिया एच। अगर आप बोलो कि सर क्या है, मैं बोलूंगा देखो एल्डिहाइड है, ठीक है, इसको छुपा एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है बताओ, एल्डिहाइड तो भी एल्डिहाइड है, अगर एच लगा तो ये क्या फॉर्मेलिटी है, लेकिन इसको छुपा ले तो तो अपने क्या किया K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। जब भी K2Cr2O7 की रिएक्शन कराओगे ये दीदी बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन देगा, क्या देगा ऑक्सीजन, बुरे बात का ऑक्सीजन आएगा, कहाँ जुड़ेगा हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, क्या बन जाएगा बेटू बात करें HC डबल बॉन्ड OH, हाँ कि ना। अब आपने यहाँ पे एक ऑप्शन जोड़ दिया और बेटू बात करें क्या जोड़ दिया आपने, एच जोड़ दिया, मतलब क्या बन गया OH, ये बन चुका है बेटू बात करें क्या एसिड, बनेगा नहीं बनेगा, क्या दीदी बात करें ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये टूटेगा, क्यों बुरे बात करें अभी बताइए, और टूटेगा क्यों टूटेगा, क्योंकि पता है इसके पास अभी रिड्यूसिंग एजेंट और है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। देखो बेटा बात करें एल्डिहाइड को भैया आप एसिड में बदल रहे थे, ठीक है, लेकिन दीदी बात करें इस कंपाउंड में तुम्हें एसिड दिख रहा है और मुझे दिख रहा है एल्डिहाइड, अभी जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है अगर तुम इस तरफ से देख रहे हो तो सी डबल दिख रहा है, लेकिन इस तरफ से देख रहा है दोस्तों ये क्या है, ये दीदी बात करें एल्डिहाइड है, समझ में आती ना। एल्डिहाइड बेटा किसकी तरह काम करता है बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर गुरु ये कमी बन गया ना बेटा, जैसे याद है गुरु ओजोन लाइस में ये बना था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड अपने कई बार बनाया, फॉर्मिक एसिड कई बार बनाया, बनाए ओजोन लाइस से फॉर्मिकेशन, लेकिन गुरु बात कर उनको आगे तोड़ा नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गुरु बात करें तब तक तोड़ने की पावर होती है जब तक की रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, जब तक पूरी हर एक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज ना कर दे। तो अभी भी गुरु उसको क्या लगता है, हमें तो लग रहा है कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन वो पीछे से देख रहा है, किसको देख रहा है, फॉर्मिकेशन को पीछे से, ये कह रहा है क्या बात कर रहे हैं आप, तो कह रहे थे कि एल्डिहाइड को ऑक्सीजन कर दिया है, ये तो हमें एल्डिहाइड अभी दिख ही रहा है, अपन कह रहा नहीं नहीं आगे से देखो, आगे से कैसे, हम तो यहाँ से देखेंगे, समझ पा रहे, हमें तो यहाँ से क्या देख रहे हैं बताओ, एल्डिहाइड दिख रहा है, अब ऑक्सीजन होकर रहेगा तो ठीक है, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है ऑक्सीजन करने का तो अपने क्या बोला, तुम अपनी मन की कर ही लो, समझ में आ रहा, वो बोलेगा अपनी मन की करेंगे, समझ पा रहे, तुम्हारे मन की थोड़ी ना करेंगे, तो बुरी बात कर अब ये एक और ऑक्सीजन देगा, क्या करेगा बेटू, एक और ऑप्शन ले उड़े बात कर, ठीक है, तो एक और ऑप्शन में क्या होगा बेटू, ऐसा मत कर देना कि एक ऑप्शन तुम यहाँ जोड़ दो, समझ पा रहे, अभी कौन सा एसिड बना दिया, दो दो फॉर्म एक एसिड थोड़ा बन गए, तो कंडीशन क्या होगा बेटू बात कर, अब ये कंपाउंड टूट जाएगा, कंपाउंड क्या होगा दोस्त, टूटेगा, और ये कंपाउंड गोलू बात कर किसमें टूट जाएगा बेटा बात कर, CO2 अलग टूटेगा और गोलू H2O में अलग टूटेगा, मतलब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाले हैं क्या दोस्त, CO2 प्लस वाटर, क्या टूटने वाले हैं दोस्त, CO2 प्लस वाटर। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन हुआ है क्या, बाकी मैं बोलता हूँ देखते हुए, सोचो बेटू बात करें दीदी इस एल्डिहाइड में इस कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे हाइड्रोजन के साथ, एक एक के साथ, क्या गुड़े बताओ हमारे पास इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन ले जाएंगे दीदी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस वन, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा गुड़े बात कर तो माइनस वन, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा, किसके बेटू बात करें कार्बन के, तो बताओ क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो क्या प्लस टू, माइनस टू प्लस टू क्या होगा जीरो, मतलब अगर कोई पूछे फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जीरो। आप तो ये देखो दोस्त कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेफ्ट वाले से गुड़े बात कर राइट वाला ज्यादा पावरफुल होता है, तो जो बेटा पेरियोडिक टेबल में उस तरफ है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरफ वाले का। अब जरा गुड़े इधर आओ, इधर जरा देखा दोस्तों ने क्या देखा गुड़े बात कर, इस कार्बन ने अपना गुड़े एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया था, इस हाइड्रोजन के साथ, लेकिन आपको पता है पावरफुल कार्बन है तो कार्बन दीदी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा बताओ, हाइड्रोजन का तो कितना आएगा माइनस वन, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस वन आएगा, एक गुड़े बात किसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ऑक्सीजन के साथ, क्या अब तो ऑक्सीजन का ले पाएगा नहीं, ऑक्सीजन ले जाएगा दीदी बात करें कार्बन को, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, क्या जाएगा बताओ प्लस वन, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे इसने ऑक्सीजन के साथ, तो दो इलेक्ट्रॉन गुड़े बताओ कौन ले जाएगा, बताओ बेटी बात कर ये ले जाएगा, ले जाएगा क्या हुआ बताओ गुड़े, इसके ऊपर माइनस टू आए ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर कितना है प्लस वन, अल्टीमेटली चार्ज क्या दिख रहा है आपको प्लस टू, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए प्लस टू चार्ज, मतलब गुड़े बताओ अपने देखा फॉर्मिक एसिड में चार्ज क्या है प्लस टू, तो जीरो से प्लस टू में जा रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है,
अभी जरा रुको, कार्बन पे जाओ, आप सीओ टू का स्ट्रक्चर तो अपन अच्छे से जानते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड याद है ना, लीनियर स्ट्रक्चर, एसपी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है यार, मतलब बुढ़े बात के इस कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन तो बेटा शेयर किए ऑक्सीजन के साथ, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए ऑक्सीजन के साथ, मतलब बुढ़े बात ये ऑक्सीजन पावरफुल है तो बुढ़े दो इलेक्ट्रॉन तो ये छीन लेगा, इसलिए आएगा कितना प्लस टू, और बेटू बात कर ये ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है बुढ़िया कार्बन से, तो दो इलेक्ट्रॉन ये छीनेगा तो कितना आएगा प्लस टू, नेट कितना प्लस फोर, तो क्या दिखे तो प्लस टू प्लस फोर मिल जाएगा, तो अगर क्या हो रहा है ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए बुढ़े बात करें पता है कि अगर कभी फॉर्मिक एसिड आपके प्रोडक्ट में बनता है दीदी बात के, तो फॉर्मिक एसिड को वहां पर रोकना नहीं है, फॉर्मिक एसिड टूटने वाला है आगे किसी दोस्त। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप पूरे ऑक्सीडेशन करें और आपके पास बेटा फॉर्मिक एसिड बने, तो मतलब यदि फाइनल प्रोडक्ट उसको लगा के मत आना अपने पेपर में, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में जो ऑप्शन बेटा CO2 वाला है वो ऑप्शन माना जाएगा, समझ पा रहे, क्योंकि वीडियो बात कर है क्या ये स्ट्रॉन्ग, ये कंपाउंड को तब तक नहीं छोड़ता पूरे बात की जब तक उसका फाइनल ऑक्सीडेशन नहीं कर देता, सोच पा रहे तो सोचो कितना भयानक पावरफुल कंपाउंड है, सोच पा रहे बुढ़िया, इससे ज्यादा पावरफुल केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं, और इससे ज्यादा बुढ़िया कार्बन कहीं जा नहीं सकते प्लस फोर से, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में कितने थे चार इलेक्ट्रॉन, तो चार ही लॉस कर सकते बुढ़िया बात कर, सोच पा रहे हो, तो कंडीशन बेटू बात करेगा फॉर्मिक एसिड दीदी है, देखो आपने क्या बोला, अगर मैं कोई भी एल्डिहाइड स्टार्ट करूं तो दीदी एसिड में बेसन रुक जाए, लेकिन अगर यही दीदी बात कह दी आपका क्या है, अगर आपकी जगह दीदी आपने एच ले लिया, आपको पता है आर जी एच आप ले नहीं सकते, आर जी मेथल है तो कुछ भी ले सकते, लेकिन अगर एच आ गया तो ये दीदी बात कर अब ये एल्केल एल्डिहाइड नहीं है, अब ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड की दीदी बात कर पहले हमारे पास जब क्या होता है ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा फॉर्मिक एसिड, लेकिन फॉर्मिक एसिड में भी एल्डिहाइड ग्रुप रहता है दोस्त, इससे उसका फिर से दीदी ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा CO2 और वाटर, क्या बनेगा, मतलब मेरे फॉर्मिक एसिड के फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाले मुझको, अब आप बोलो सर ऐसा कर ये निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे दोस्त, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा कंपाउंड सुंदर देखिए इसके लिए अपनी बात करें इसको हटा दिया, चलो अगर बेटी बात करें हमने क्या देखा, हमारा कंपाउंड की बात करें इस तरीके से आर सी डबल बॉन्ड टू, आप बोलो सर कीटोन बन जाए तो बीच में आर सी डबल बॉन्ड टू आर आ गया और इसके ऊपर रिएक्शन तो करेगा ही, ठीक है ना, कौन करेगा बेटी बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन जैसे के टू सी आर टू ओ सेवन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, अब मैं क्या बोलूंगा दीदी बात करें नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्शन हो गई, तो क्या करें फिर तू बताओ, नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन मतलब करना क्या आपको, रिएक्शन हो रही नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुमने दीदी यहाँ पे इसके साथ दे दिया हो तो हाई टेम्परेचर, क्या दिया था दोस्त, तो बुरे बात कर तोड़ देता, समझ पा रहे, तो बोले बात कर तोड़ देते दो कंपाउंड दो एसिड बनते फिर बात करें, ठीक है इसकी बात अपन आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दोस्त टेम्परेचर नहीं है तो बुरे बात कर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आगे जरा देखो बेटू बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते अपन, ठीक है और क्वेश्चन को उठाए तो आपको पता चल गया बुरे बात कर क्या पता चला कि अगर बुरे बात कर एल्कीन है ये तो मैंने एल्कीन को बताया या फिर एल्काइन भी हो जैसे एल्काइन हो दोस्त, ठीक है अब एल्काइन में बोले बात कर तीन बॉन्ड हो गए, एल्काइन में कितने बॉन्ड हो गए बताओ तीन बॉन्ड, मैं भी आपको करूंगा, तो जैसे अपने बोले ये कार्बन कार्बन दीदी बात करें इस तरीके से कंपाउंड था कोई भी, ठीक है इस तरीके से सी एच थ्री पूरे बात करें, ठीक है सी ट्रिपल बॉन्ड पूरे बात करें सी, समझ पा रहे सिंगल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, और पूरे बात करें क्या था ये सी एच थ्री, इस तरीके से कंपाउंड तो क्या करें कुछ भी मत करो, पूरे बात करें पहले इस बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है दीदी बात करें एक ओएच दे दो दूसरा ओएच दे दो एक और बॉन्ड को तोड़ो एक और ओएच दे दो एक और ओएच दे दो, दो दीदी ओएच आएंगे पानी घट जाएगा, समझ पाए तो ये ऑक्सीजन गुड़े डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ऐसे इसका भी पानी हट जाएगा, समझ पाए दोस्त डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, अब ये गुड़े बात करें एक और बॉन्ड बचा उसको तोड़ दो एक ओ एच फिर से दे दो और एक ओ एच फिर से दे दो, वो बन चुका है कितनी बन चुका सी डबल बॉन्ड ओ एच आया कि नहीं आया, सीधी सीधी बात है बुढ़े बात कर आपको एच ओ एच देते जाना है, जितना बॉन्ड तोड़ते जाओ उतना ओ एच देते जाओ, एक कार्बन पे दो एच कभी स्टेबल नहीं होगी, तो करूँ क्या मैं सी एच गुड़िया बात करें थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी गुड़िया बात करें सिंगल बॉन्ड सी थ्री, अब मुझे सीधी से डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो बेटी बात कर रहे एक डबल बॉन्ड से ऑप्शन दो एक डबल बॉन्ड से ऑप्शन दो, सीधी सी बात है बोला तो उसने नहीं बोला था ओ एच को देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ओ एच देखे भी दीदी मुझे पानी हटाना है, अब बुढ़े बात कर बॉन्ड तोड़ा, अब दीदी बात कर एक ओ एच और दे दो एक ओ एच और दे दो, दीदी बदल दे एसिड में मुझे नहीं पता कि क्या करना है, बस मैंने तो ये देखा कि जब भी बुढ़िया बात करें मल्टीपल बॉन्डेड वाला कंपाउंड मुझे मिलेगा लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड बुढ़िया बात को इनमें से कोई मुझे दिख गया, समझ पा रहे बोलूंगी यार, तो रिएक्शन में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उनको किस में ना बदल दूं एसिड में, लेकिन अगर दीदी दिल ने ऐसा किया कि कैसा किया कि कंपाउंड ये है, समझ पा रहे हो सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड बुढ़े बात करें सी और सी एच थ्री, आपने क्या बोला डबल बॉन्ड मारना है मुझे सर ने बोला था, डबल बॉन्ड हटाया दो बैलेंसी कम हुई लो चार चार बैलेंसी कम, क्या बात है अब इसको हटा दो और एक ओ एच इसको दे दिया मैंने,
कितना अच्छा रहा, अब बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। वाओ मैं तो एसिड लेके चला गया। चलो ठीक है, अब दीदी एसिड भी तो तुम दोगे, जैसे इसको एच दिया वैसे इसको भी OH दो। बुढ़े बात कर रहे, समझ पाए? तो आपने इसको OH जैसे दिया, अब दीदी पता चलेगा कि ये तो क्या बन गया, ये तो बन गया HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिड दिख रहा है लेकिन पीछे वाले को एल्डिहाइड दिख रहा है, मतलब इसका दीदी और ऑक्सीडेशन करना है आपको। क्या कर रहा है? और अगर और ऑक्सीडेशन करें तो किसे बदलेंगे? CO2। मतलब दीदी बात करें CO2 तो ये निकाल दो, दो हाइड्रोजन बस ऑक्सीजन के साथ निकालो, मतलब दीदी बात करें CO2 और वाटर, क्या फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत टफ है क्या? बहुत टफ नहीं, दिमाग में एक चीज रखनी है भैया, मुझे तो डबल बॉन्ड को तोड़ के गोलू बात करके क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, और एक बॉन्ड और बचेगा उसको तोड़ करके वो जोड़ देना है। और तुम तो कुछ नहीं जानते ना, तुम तो एकदम नादान हो, समझ पा रहे? जिसने दुनियादारी कभी देखी नहीं, ये कभी जानता ही नहीं कितने भयानक भयानक कंपाउंड का सामना होने वाला था, पर इसको घर से सिखा पड़ा के बोला गया था कि जहां ट्रिपल और डबल बॉन्ड देखे तू तो बेटा कुछ मत करियो, समझ पा रहे? इस कंपाउंड को तोड़ के उसको कैसे बदल दियो, क्या बदल दियो। अब दीदी बात करें, आगे कुछ लगा था पीछे कुछ लगा था मुझे नहीं फर्क पड़ा, लेकिन मैंने देखा दीदी बात करें इस तरीके से, बोले कोई ट्रिपल बॉन्डेड था, मैंने बोला कि मुझे तीनों बॉन्ड तोड़ देना है, और बस मैं तो इतना जान गया कि इस कारण मुझे एसिड बदलना है, तो मैंने लिख दिया सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, बस बदल गया, बदल गया वही कार्बन। ऐसे बोले पीछे वाला था उसको भी क्या लिख दिया आर, ये तो चेंज हो गई नहीं बेटा, और सी गोलू बात कर डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड बेटा बात कर OH, ये भी बदल दिया, मिलो समझ पा रहे? बस मुझे नहीं पता था क्यों, क्योंकि इनके ऊपर ये लिखा था उसने, ऐसा कंपाउंड दिया था गुड़िया, और इसके ऊपर लिख दिया था उसने क्या बताओ, KMnO4, क्या लिख दिया था, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, K2Cr2 प्रेजेंस ऑफ दीदी एसिडिक मीडियम, KMnO4 हॉट एल्केलाइन मीडियम, दीदी बात करें KMnO4 विद दीदी NaIO4, चार में से कुछ भी लिखा है गुड़िया बात कर, मल्टीपल बॉन्ड जैसे मिला मैंने तोड़ दिया। आप बोलो सर अगर डबल बॉन्ड है तो, अरे तो भी तुम ये इसको तोड़ दो, समझ पा रही गुड़िया नहीं आ रहा है? और मुझे CS से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इसको कैसे बदलना है बेटी बात कर, एसिड में मैं यही करूंगा, आ रहा तो उसके नहीं आ रहा है, सीधी सी बात पता चल गई, प्रोडक्ट तो बना लोगे युवराज, पक्का बना लोगे, ऐसी केमिस्ट्री बताओ ना, ऐसी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं, तो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छी। अब कैसे भी दीदी बात कर, ऐसा प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट, जहां बुढ़िया बात कर पता है प्रॉब्लम हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी गुड़िया बात कर, वो ये था कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाए गुड़िया बात करें तो उसको फॉर्मेलिक एसिड में बदलने के बाद आगे तोड़ना CO2 और वाटर में, उसके अलावा गुड़िया बात करें कोई भी एल्डिहाइड उसको बदल देना है किसमें आपको एसिड में, अगर कोई भी कीटोन हो गुड़िया बात करें उसको ऑक्सीडेशन नहीं करना आपको, समझ पा रहे हो? लेकिन हाँ दीदी बात करें हो सकता है कि हाँ करने की दम है इसमें, लेकिन कब, जब दीदी इसको हाई टेम्परेचर, क्योंकि ऐसे नहीं कर पाएगा, सोच पा रहे हो? सोच पा रही गुड़िया बात करें तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, इसको वीडियो बात कर पहले अपलोड कर लो है कि नहीं, और उसके बाद फिर क्या कर दो मेरे लिए क्वेश्चंस कर दो, क्वेश्चंस क्या है वीडियो बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ये कर दो क्या पक्का, इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा है दोस्तों अपन, किसकी वीडियो बताओ, KMnO4 की, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, उसकी बात कर, व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म, थैंक यू, व्हिच टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, चल करो फटाफट जी बिल्कुल, तो आपने बना दिया होगा है ना, हमने भी आपसे बोला था कि आपको इस तरीके से करना है सी ट्रिपल बॉन्ड, आगे वाली भाई तुम्हारा है ये आगे आइए, तो क्या बनाया आपने, टू बोन एसिडिक एसिड, ठीक है दीदी बात कर, वही क्या होगा बेटी बात करें, दोनों बॉन्ड को तोड़ा होगा, दो बॉन्ड तोड़ो डायरेक्ट बात कर, क्या करेगा ऑक्सीजन दो है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड सी बुढ़े बात कर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बेटी बात करें सी डबल बॉन्ड क्या ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड क्या तो CH3 याद आया, एक बार उनको ये कर दिया, दूसरी बात दीदी बात कर अपने क्या बोले सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है, तो बोले बात करें क्या करो एक OH इसको दे दो और एक OH दीदी बात करके इसको दे दो, इसको दो दो, मतलब क्या बन जाएंगे दो मोल, क्या बन गया बेटा बात कर एसिडिक एसिड, बने कि नहीं बने, सीधी सी बात है गुड़िया, चलो बहुत अच्छा, तो मैं सीधा फाइनल प्रोडक्ट लिख दूं, टू मोल एसिडिक एसिड CH3COOH, चलो गुड़िया बात कर, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, अब गुड़िया बात किस तरीके से क्वेश्चन करते जाओ, क्या करते जाओ, दो चार क्वेश्चन दीदी बल करते हैं, ठीक है खेलते हैं इनके साथ, करें क्या, चलो जल्दी दीदी गुड़िया बताओ, बिना पेन के चलेगा, क्या चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, वो घर पे दीदी बात कर आप कौन सा लिखना है, सिर्फ यहाँ तो आप मुझे क्या बताओगे, बिना पेन की गुड़िया बात कर आप बताओगे, ठीक है फिर नोट कर लेना, चलो फिर दिक्कत नहीं है आपको, तो शॉर्ट फिर ज्यादा अच्छा लगा तो उसके लिए लगा, शॉर्टकट में तुम्हारे साथ चाहिए हमें ताकि हम एक मिनट में आंसर निकाल के बैठ जाए, जब तक लोग क्वेश्चन पढ़े तब तक हमारा आंसर आ जाए, दूसरी कोरिलेशन कंडीशन की बात करो बताओ, देखो चलो नदी दीदी आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH बीटू बात करें 2 डबल बॉन्ड बुढ़े बात करें CH, हाँ कि ना, विच टाइप बुढ़े बात की प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ आपको, NaIO4 हाँ कि ना, इन प्रेजेंस ऑफ दीदी बात किया विद KMnO4 बताओ, KMnO4 के साथ जब बेटा NaIO4 की रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, तो
सॉरी यहाँ पे दी सी एच टू था ना, बोलो। एक तो एसिड बन जाएगा, एसिड बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा? CH3 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 CH3
CO2 प्लस वाटर, मतलब पता दीदी ने किसको तोड़ दिया? हाँ दीदी ने पता है पहले क्या बनाया? याद है दोस्त क्या बोला दोस्त, याद आ रहा है? बोलो इस बोर्ड को तोड़ना बेटा, याद आ रहा है? बोलो बात कर, जब ये बोर्ड टूटेगा तो क्या होगा? इसको इधर पे एक दीदी बात कर, इसको अपने तोड़ा नहीं, तोड़ा डबल बॉन्ड को, तो कंडीशन क्या करनी थी? पूरे दोनों एसिड बनाने थे। अरे बनाए होंगे, कैसे देखो गुड़े बात कर, एक आपने क्या किया इसको बॉन्ड को हटाया, इसको एच दे दिया, एक गुरु बात कर इसको हटाया, बिट्स का भी तो बॉन्ड गया था, इसको एच दे दिया। दीदी बात कर, एक कैसे इसको जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इसको क्या दोगे बेटू? बात कर ओएच दोगे, और इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो इसको भी क्या दे दोगे? ओएच दिया बेटा। बात कर बोलो ओएच में से अगर एक कार्बन दो एच है तो पूरे अनस्टेबल होते हैं। आपने क्या कर दिया? वाटर हटा दिया, डबल बॉन्ड से इसको जोड़ दिया, क्या बन चुका दोस्तों हमारे पास बताओ? एसिटाल्डिहाइड। और ऐसे बोलो बात कैसे किया आपने? अरे किया ओएच हटाया, गुड़े बात कर बताओ, अगर हमारे पास ओएच में से गुड़े बात कर, हाँ एक कार्बन दो एच होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अगर वाटर है तो बताओ दीदी बात करें क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर इसको दीदी अपन खोलें तो कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाया था, सी डबल बॉन्ड ओएच, आरएफ नहीं आया था। अब बुढ़े अगर क्या करें इसका, और अगर ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा दीदी हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, बदल जाएगा एसिटिक एसिड में, और फॉर्मिक बुढ़े बात एल्डिहाइड बदल जाएगा फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड को फिर से तोड़ेंगे। समझ में आ रहा नहीं आया? क्योंकि इसको और बनेंगे ना बेटा बात के एसिड में, तो फॉर्मिक एसिड में अल्टीमेट दीदी फिर से एल्डिहाइड छुपा हुआ है, आगे से देखो तो एसिड है सी डबल बॉन्ड ओएच, और पीछे से देखो तो क्या है उसमें एल्डिहाइड, तो इसलिए अपने क्या बोला बेटा इसका अगेन ऑक्सीडेशन होगा, वही किसमें बदल जाएगा बेटा बात का CO2 और वाटर में, आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका बुढ़े बात का फाइनल प्रोडक्ट क्या हमारे पास ये, किसी को दिक्कत है तो पूरा प्रोडक्ट लिख दूं है क्या किसी को बेटा? तौशीफ चलो, तो पीछे वाले दीदी ये बेटा इसका प्रोडक्ट होगा बहुत अच्छे CH, वीडियो बात करें क्या दे रखा था? डबल बॉन्ड CH2 ये दे रखा था ना। हाँ आप बने गुड़िया बताना आपको मुझे है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, दीदी बात कर हाँ किरा, H डबल बॉन्ड C, ठीक है गुड़िया बात करें CH3 CH3, आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? इसके ऊपर गुड़िया अपन रिएक्शन कराते हैं किसकी, हॉट अल्कलाइन केबल ऑफ फोर, बताओ बेटू बात करें क्या बनेगा? एक बनाएगी लड़की एथेनोइक एसिड, ठीक है CH3 COOH बना दिए दोस्त, ठीक है दूसरा, दूसरा बनेगा दीदी एसीटोन, बहुत अच्छे CH3 सिंगल बॉन्ड दीदी बात कर, देख रहा था बेटू सी सिंगल बॉन्ड वीडियो बात कर रहे CH3, अपने क्या बोला था बेटू सबसे पहले तुम दो बॉन्ड को तोड़ो, दो एच आ रहे, दो एच में से वीडियो बात वाटर निकालते तो क्या बनता? ये बनता कीटोन, ही बनता बनता क्यों बनता? इसको ऑक्सीडेशन कर पाएंगे अपन बेटू, ये क्या है कीटोन है कि नहीं? CH3CO CH3, तो ये रहेगा नहीं रहेगा? आपको हावी टेम्परेचर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, इसका मतलब कीटोन ही रहेगा दोस्त। ये किस किस में सोचा था? एक दो तीन, तो कंडीशन बेटू बात करें यहाँ पे आगे की नहीं आगे, इसको दीदी वैसे लिखो अपन, क्या लिखा था अपन ने CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा नहीं लिख सकते क्या? आप खुद देख लेते बेटू बात करेगी, जब आप यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ते तो बुढ़े बात किसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देते, एल्डिहाइड था ये, बुढ़े बात कर कीटोन बन चुका था, एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करते, कीटोन को ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता ये, फर्दर सोच बोला था ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो बुढ़े बात कर इस टाइप प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है इसमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते, पीछे वाली दीदी तेरी मैं नहीं खेलूंगी इनके साथ ऐसा सा, मेरे साथ ऐसा, दीदी क्या करें उनके साथ इनके साथ से मतलब नहीं है, ठीक है। अब यूं ये बाहर बनाए तो अच्छा है, और दीदी अंदर बनाए तो अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं दोस्त? इसके ऊपर अपन कराते बेटू बात करें, ठीक है किसी का वीडियो बताओ हमारे पास, ठीक है वो ही वीडियो बात करें एसिडिक K2Cr2O7, तो बताओ वीडियो बात करें क्या बनेगा? जी हाँ मैं लिखूंगा ना CH3 जी CH2 CH3 दीजिए, ये CH3 की CH2
फिर CH2 दीदी यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आएगा और एक वाइस आएगा। देखो सीधी सी बात है, बहुत अच्छी है जो लड़की कह रही है, ठीक कह रही एकदम। दीदी डबल बॉन्ड तोड़ेंगे ना ये कार्बन भी टू, तुम पूरा क्यों टेंशन ले रहे हो, यहाँ कार्बन है कि नहीं है, यहाँ भी कार्बन है कि नहीं है। दीदी बात करें अब बताओ, जैसे यहाँ मुझे सी एच थी वैसे यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं है, तुमको पता है, ये तो अपन हर जगह जानते कि जैसे यहाँ CH2 है कार्बन बेटा तो दो हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड से बुढ़े बात करो कार्बन तो एक हाइड्रोजन इसका था ही, तभी इसकी वैलेंस चार हुई ना 1 2 और बुढ़े बात करें 2 4, ऐसे इसकी 1 2 और 2 4 आई नहीं यार। अभी बुढ़े अपने यहाँ तोड़ दिया इसको तो ये क्या बन गया बेटा, बात करें डबल बॉन्ड से क्या जोड़ोगे ऑक्सीजन, और यहाँ बुढ़े डबल बॉन्ड से अगर आपने तोड़ दिया मतलब दो एच आए थे दो में से बात करें क्या निकल गया, सीधी सी बात है बेटा बात करें वाटर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन बचा, मतलब सीधी सी बात है यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अरे आया कि नहीं आया, मतलब बुढ़े मैं इस तरफ लिख दूँ ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ भी बुढ़े बात करके आ गया बताओ ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, ये था एल्डिहाइड बेटा कीटोन, कार्बन 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 CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड कीटोन था, इसका ऑक्सीडेशन कर नहीं सकती इसका हो जाएगा एल्डिहाइड है तो ये बदल जाएगा इसमें एसिड में, किसे बदलेगा एसिड में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब बुढ़े बात करें जो आपका कंपाउंड था कंपाउंड कौन सा था दोस्त, ये था कि नहीं था, ये था दोस्त, तो बुरी बात करें क्या करना था इसको, आपको कुछ नहीं करना था, इस बॉन्ड को आप तोड़ती तोड़ दिया आपने, एक ऑक्सीजन इसको तो एक ऑक्सीजन इसको तो, दीदी बात ये कीटोन पर इसका ऑक्सीजन करना नहीं है लेकिन ये डेढ़ बनेगा इसका ऑक्सीजन करना है, अभी जरा बोल दीदी कार्बन जो है ये कार्बन है बेटा इसकी बैलेंस ही 4 है बस, इसकी बैलेंस ही 3 है, इसका मतलब इसके पास दीदी हाइड्रोजन है यहां पे, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, तो बेटू बात करें इसको तोड़ने की जरूरत कहाँ है, सीधा लिखो बुढ़े बात करें क्या था मेरे पास जो कंपाउंड था उसको वैसे ही बना दिया इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और दीदी बात करें यहाँ पे कार्बन था तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया दोस्त, आ रहे दोस्त की नहीं आ रहे, और सिंगल बॉन्ड बुढ़े बताओ क्या लगा दिया CH3, ये था कीटोन, नीचे बुढ़े बात करें इस तरीके से देख रहे आपको इस तरीके से देख रहे बुढ़िया, और ये था बेटू बात करें यहाँ पे क्या आपका कार्बन, तो ये कार्बन मुझे किसे बता क्या बताओ डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें ओ एच में बदला तो उसकी नहीं बदला, तो ये बुढ़े बात करेंगे हमारे पास एसिड में, ये बनेगा एसिड और ये बनेगा दीदी क्या कीटोन, अब तुम इसका आईपीएच नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग कहां से करेंगे यहां से, तो यहां से नंबरिंग करोगे बेटू बात करें तो क्या बनेगा याद है 1 क्योंकि एसिड है 1 2 3 4 5 6 7 हाँ कि ना, तो हो गया क्या बताओ दीदी बात सब्स्टिट्यूट क्या आ गया, दो फंक्शन ग्रुप है तो बुरे बताओ लोअर प्रायोरिटी को अपन क्या मानते हैं प्रीफिक्स, अपन क्या बोलेंगे 6 कीटो हेप्टेन 1 ओएच एसिड आ रहा क्या है, ये हेप्टेनोइक एसिड तो 6 कीटो हेप्टेनोइक एसिड आ रहा है बेटा, तो ये भी आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, कर पाओगे, किसी को दिक्कत आ रही तो बताओ, आई है तो बताओ, कोई हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, अपन एक स्टेप करके खोल सकते, खोले क्या आ गया ना, तो नहीं आया तो बेटा बात करें बोलते जाना ठीक है, चलो खैर इतनी बड़ी बात है नहीं, उसमें बोला कि बॉन्ड तोड़ो एसिड बनाना है क्या करना है, अगर कीटोन बना है तो उसका एसिड में नहीं बनाना है आपको, चलो बुरी बात करें युवराज बेंजोइक एसिड बनेगा और CO2 और H2 यही बनेगा, ऐसा मत करना कि बेंजीन को तोड़ दो, बेंजीन की पूरी बात करें पता है ये कोई ऐसा मत करना कि वैसे बना देता ना चक्कर में तो यहाँ से भी तोड़ देते यहाँ से भी तोड़ देते, मुझे पता था बहुत बड़े दिमाग वाले, कई लोगों ने सोचा होगा कई लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि इसका आंसर गलत है, लेकिन लग रहा है कि लग रहा है, तो वही वाली बात है कि कंडीशन बिटू बात करिए कैसे बिटू रेजोनेंस के पार्ट फिक्स नहीं है एक जगह स्टेबल नहीं है, जब तक तुम यहाँ देखो तब तक वो यहाँ पहुंच जाएगा, जब तक तुम यहाँ देखो तब तक वो यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा ठीक है, इसलिए बेटू बात करें इसको सीधा अपन लिख देते हैं, क्या लिख देते बेटू बात करें पीएच क्या लिख देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बेटू ठीक है, कि एक ही बॉन्ड आपको देखिए डबल इसी को तोड़ देना प्लीज, तो क्या बना युवराज ने जैसे बुद्धि की बात करें क्या कह रहा है ये बन गया पीएच
पीएच मतलब दीदी क्या है फेनिल बेंजीन और उसके आगे की सुनो थोड़ा भी थोड़ा गुड़े बात करें तो इस भैया ने थोड़ा जैसी गुड़े बात के इधर पे तो क्या बन गया ये कार्बन तो बदल गया सी डबल ओएच में और बी टू बात का साथ में ये कार्बन एक कार्बन का है तो एक कार्बन भी तो एसिड बदलना है क्योंकि एक कार्बन का कंपाउंड है। अब एक कार्बन का एसिड क्या होता है दीदी बात करें सी डबल बॉन्ड ओएच पर आपको पता है बी टू बात करें जिसको आप एसिड देख रहे हो उसको मैं एल्डिहाइड देख रहा हूँ मैं नहीं देख रहा हूँ ये देख रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैग्नीशियम दीदी बताओ ये फिर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा फिर से टूटेगा किसमें टूटेगा बेटा बात क्या बताओ एक्सेप्ट CO2 वाटर में तो क्या बना दे बताओ मेरे साथ में अपन ने तो बोला कि फाइनल प्रोडक्ट बोलो आप तो CO2 प्लस वाटर क्या ब्रो आपने यही बोले थे सच में ये बोले थे देखो ये क्या कह रहा है ये बोले थे चलो तो भाई साहब आप पीछे वाले श्याम दादा पी एच बेटा बात करें ठीक है सी एच ट्रिपल बॉन्ड बोलू बात करें सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच इसका क्या बनाओगे दोस्त अगर इसके ऊपर रिएक्शन करें देख ले बोलू ठीक है के टू सी ओ टू सेवन की जैसा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड पकड़ दिया अपन ठीक है पूरे एसिडिक मीडियम में अब बता दे दोस्त जैसे जबकि देखने में क्या लग रहा है दीदी बात कर कैसी बनेगा अरे यार मैंने क्या बता दिया चलो बोलो देखो मैंने बोला था ना कि क्या लगेगा कि यही बनेगा और यही बनाया इसने यही बनेगा कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स जुड़े हैं उन दोनों कैसे बदलना है लेकिन एक कार्बन कैसे दीदी बनता है फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं होता तो टूट जाता है CO2 वाटर में तो इस कार्बन की दीदी पहले तो उसको बदलना है फॉर्मिक एसिड में तो उसको तोड़ देना CO2 वाटर में लेकिन एक बन के बेटे बात करें बेंजीन का एसिड एक बेंजीन के ऊपर कार्बन तो कार्बन का एसिड बना दो सीधी सी बात है बुरी बात करें तो क्या बन गया बताओ बेटू बात करें पी एच सी डबल ओएच मतलब बेंजोइक एसिड प्लस बेटू बात करें क्या CO2 एंड वाटर आया कि नहीं आया बहुत अच्छी तो मतलब बुरी बात करें इनकी एक ही प्रोडक्ट बनेंगे ठीक है कर पाओगे नहीं कर पाओगे चलो बुरी बात करी अब मैं इसे कितने भी क्वेश्चन दे दूं तो कर लोगे ना उम्मीद करता हूँ कि हो जाएंगे शायद युवराज तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड भी अगर देगा कोई तो तोड़ दोगे ठीक है अब ऐसा मत कर मैं कि मतलब अपने बुरी थोड़ा पढ़ा है प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बुढ़े सोचो ये क्या थे ये थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन ये क्या करते बुढ़े बात करें ये एल्कीन को बदलते पहले एल्कोहल में आपने देखा था वो जोड़ जोड़ करके फिर एल्कोहल को बदलते एल्डिहाइड को बदलते एस्टर फॉर्मिक एसिड बन जाए तो उसको फिर से तोड़ देते CO2 में जाकर याद है लेकिन कीटोन पे एक्शन नहीं करते किस पे एक्शन नहीं करते आ रहा कि नहीं आ रहा लेकिन दीदी बात करें अगर कीटोन बन गया और हाई टेम्परेचर दे दिया तो तू क्या करे ये गोलियां बात करें कुछ स्पेशल टाइप की केस है ठीक है चलो इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते सिंगल बॉन्ड बुढ़े बात करें सी एच डबल बॉन्ड सी ठीक है ना सी एच थ्री और बी टू बात करें सी एच थ्री अगर ये केस है ये केस है क्या दीदी बात करें ये केस है तो इसका क्या बनाओगे बताओ ऑक्सीडेशन की बात इनमें से कोई भी अगर रिएक्शन कर दो क्या बना दोगे और एक कौन सा केस है ये वही केस है ये वाला दिया था समझ पा रहे अब बुढ़िया बात करें ये वाला केस तुम्हें समझ में आ गया चलो स्पेशल केस की बात करें अगर आपको ये दे बेटा कभी सी एच थ्री बुरी बात करें सी एच टू ठीक है ना सिंगल बॉन्ड बुढ़िया बात करें ओ एच आर ये क्या है दीदी बात करें पर ये कार्बन दीदी बात करें बताए प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल और ये बेटा बात करें ओएच सेकेंडरी एल्कोहल बस दीदी बात करें एल्कोहल है क्या है बस एल्कोहल एल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे कहलाता है जरा इस कार्बन को देखो ये कार्बन पीछे के ब्रेक कार्बन जुड़ा मतलब ये कार्बन ने प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री में सिखाया था और ये कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन जुड़ा इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री या बोल सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल का बुरी बात करें जब इसके ऊपर आप एक्शन करोगे क्या करोगे दोस्त एक्शन करोगे मतलब बुरी बात करें क्या कराओगे ऑक्सीडेशन कराओगे तो जब भी बुरे बात करें एक ही साथ उनको पकड़ लो कोई भी बताओ अपने इसमें किसको ले लो किसको ले जल्दी बोलो KMnO4 कह रहे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इसको KMnO4 एसिडिक मीडियम ठीक है ऐसी बुरे यहां भी कह लिया अपन ने बेटू KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बुरे बात करें एसिडिक मीडियम तो क्या बनेगा प्रोडक्ट तो अगर प्रोडक्ट की बात करें बताओ क्या बनेगा
प्राइमरी एयर कोर के बाद दीदी बनेगा पहले एल्डिहाइड, क्या बनेगा बेटा? सी एच थ्री सी एच टू, जो एयर कोर है कि दीदी उस कार्बन को बदलना पड़ता है, जो दीदी बात के समझ में आ रहा है, जिस कार्बन के ऊपर यूनिवर्सल ग्रुप जुड़ा होता है उसी कार्बन को चेंज करते, तो ये बदल गया दीदी बताओ किसमें? ये बदल जाएगा बेटू बात करें एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कैसे बदलेगा बेटा बात कर, डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा, इसके द्वारा मतलब ये एक एचएस काटो एक एचएस काटो, मतलब इस तरीके से कंडीशन की बात करो, देखो दिख रहा है बेटा बात कर आपको दिख रहा है CHH, नीचे भी एक एच होगा, यहां भी क्या बताओ गुरु OH दिख रहा है दोस्त, जैसे गुरु क्या हटा दो बेटा बात कर H आ रहा है यार, नहीं आ रहा गुरु, और यहां हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ठीक है तो गुरु बात कर क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉरी दीदी बात कर, अब हाइड्रोजन हटा दिया आपने तो बोलता एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, आप जरा देखा बेटू बात करें, ये तो मैं देखा दोस्त, एक हाइड्रोजन काटा एक हाइड्रोजन काटा, बुढ़े बात करें जैसे बुढ़े बात करें इसका हाइड्रोजन जाएगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा बेटू बात करें, इसका भी बैलेंस कम इसका भी बैलेंस कम, दोनों को किससे जोड़ दो डबल बॉन्ड से, किससे जोड़ दो आपको नहीं दिखा तो इस तरीके से, फिर देखो पीछे क्या था बुढ़े CH3 क्या था CH2 याद है दोस्त, और फिर क्या था CH2 इस CHH और बुढ़े बात करें OH, आज ऐसा था कि नहीं था, क्या निकाल दो बेटा बात करो बोलो क्या निकाल दो H2 बुढ़े निकाल गया, बताओ तुम्हारे पास सीधी सी बात है इस कार्बन की बताओ एक बैलेंस कम हुई कि नहीं हुई, इस ऑक्सीजन की बैलेंस कम हुई कि नहीं, डबल बॉन्ड से जोड़ दो क्या बन गया दीदी एल्डिहाइड, एल्कोहल से प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनता है बुढ़े बात करें, जब आप उनका क्या करते हो डिहाइड्रोजनेशन करते हो, मतलब आपको हाइड्रोजन हटाना है, अब आप कंडीशन की बात कैसे करते बुढ़े, आप सोचो कि सर हाइड्रोजन हटाना ही है ना, तो ऐसा करते हैं कि इस कार्बन के दोनों हटा देते, अगर दीदी इस कार्बन के दोनों हटा दोगे, हटा दो बिल्कुल मैंने मना नहीं कर रहा हूँ हटा दो, लेकिन मुझे बात कर बताओ अब मल्टीपल बॉन्ड तुम कार्बन का किसके साथ बनाओगे, ये तो बताओ अनबैलेंस होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप क्या करते दोस्त, अगर आप मुझे बात करें एक हाइड्रोजन इसका हटाते और एक हाइड्रोजन इसका हटाते, मुझे बात कर दिख रहा है दोस्त, तो बताओ एक बैलेंस इसकी कम होगी किसकी कम होगी, तो आप उसमें दोनों कम से कम इनके बीच बॉन्ड बना सकते हो, क्योंकि बॉन्ड तो हमेशा दो एटम के बीच बनेगा दोस्त, इसलिए अपन क्या करते बेटा एक इसका हटाते बोलो एक इसका हटाते और क्या बना देते, अब बन गया सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बना नहीं बना, तो प्राइमरी एल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन है क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो ये भी रुकने देगा कि प्रोसेस को नहीं, अब ये क्या करेगा अगेन ऑक्सीडेशन करेगा और एल्डिहाइड को बेटा किसे बदल देगा, जो एल्डिहाइड है उसको बदलेगा किसमें बेटा आपके एसिड में, बीच का ग्रुप वैसा का वैसा ही रहेगा CH3 CH2 चाहे उसको साथ C2H5 लिख सकते हो और बन जाएगा क्या बेटू बात करें COOH, अरे यार अब बन गया दीदी एसिड, हो गया कि नहीं हो गया, ये फाइनल ऑक्सीडेशन हो गया, ये दीदी बात करें प्रोसेस कहां से सिखा दी मैंने आपको, अपन गुड़िया अभी तक जो पढ़ते आए वो अपने और जाना एक अंग स्ट्रक्चर तो पढ़े थे अपने याद है, पहले एल्कीन आ रहा था फिर एल्कोहल आ रहा था, लेकिन कभी डायरेक्ट एल्कीन दिया जाए तो फिर भी अपन यहां से स्टार्ट नहीं करना, आगे वाले स्टेप से स्टार्ट करेंगे, अगर प्राइमरी एल्कोहल है दोस्त कैसा एल्कोहल है प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल से बनता है गुड़िया बात करें क्या एग्जैक्ट प्राइमरी एल्कोहल से बनेगा दीदी बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन गेन तो बनेगा सीधा दीदी बात का एसिड, क्या बनेगा सोच पा रहे सोच पा रहे, इसका मतलब मैं आपको यहां पे नोट करके लिखना चाह रहा हूं दीदी बात करें प्राइमरी एल्कोहल कौन सा एल्कोहल बेटा बात करें प्राइमरी एल्कोहल है क्या है दोस्त प्राइमरी एल्कोहल है और इसके ऊपर गुड़िया ने किसकी रिएक्शन कराई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बेटा एजेंट की समझ में आ रही नहीं है तो प्राइमरी एल्कोहल मतलब 1 डिग्री एल्कोहल तो गुड़िया क्या बनने वाला बेटू बात करें ये बनने वाला है गुड़िया बात करें क्या पहले बदलेगा एल्डिहाइड में किसे बदलेगा एल्डिहाइड में और ये दीदी बात करें फाइनली किसे बदल जाएगा बेटू बात करें एसिड में किसे बदलेगा एसिड में क्योंकि पूरे बात के स्टोरेज तब तक ऑक्सीडेशन करता रहेगा जब तक एसिड नहीं बन जाएगा मतलब मतलब फाइनल क्या मिलेगा एसिड मिलेगा समझ में आ रहा है यार लेकिन पूरे बात के बीच में क्या बना एल्डिहाइड अगर दीदी बात कर हम सोचें कि मुझे तो सर पता है एल्डिहाइड चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए मुझे एल्डिहाइड की जरूरत है और मेरे पास एल्कोहल है तो क्या एल्कोहल से बना सकता हूं मैं बोलूंगा बिल्कुल बना सकते हो तो तुम क्या बोलोगे कि इसके ऊपर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं दोनों का विरोध करना क्योंकि अगर तुमने इसकी रिएक्शन करा दी तो ये रिएक्शन तुम्हारे हाथों में थोड़ी रोक दोगे ये तुम बीकर में कर दी तुमने बीकर में एल्कोहल भी डाल दिया और बीकर में KNO4 भी डाल दिया बुढ़े बात करें तो जब तुम फाइनल बुढ़े बात करो उस कप में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा और तब तक वो रिएक्शन होती रहेगी जब तक तुम्हें एसिड नहीं मिल जाएगा समझ पा ये कह रहा है कि सर हम बनने नहीं देंगे समझ पा रहे हम क्या करेंगे जैसे एल्डिहाइड बनेगा हम चम्मच डाल के निकालेंगे समझ पा रहे चम्मच डाल के क्या सॉल्यूशन ही ना तेरी चम्मच में वो एसिड बदलता रहेगा समझ पा रहे तुम उसको रोक ही नहीं पाओगे इसका मतलब मुझे एल्डिहाइड चाहिए तो मैं क्या करूं कभी भी इनका यूज नहीं करना इसलिए प्रोसेस बताइए इसके लिए गुड़िया अपन को चाहिए पड़ता है बीटू बात करें बीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चाहिए पड़ता है समझ पा रहे जैसे गुड़िया बात करें पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए तो वो बेटा क्या करते हैं बोलू एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देंगे मतलब अब तुम एक चीज पता चली गुड़िया अगर मुझे एल्डिहाइड चाहिए तो भी तुम्हें प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और अगर दीदी आपको एसिड चाहिए गुड़िया बात करें हाँ कि ना तभी प्राइमरी कर लो क्या सेकेंडरी से एसिड नहीं बन सकता है दीदी बात करें लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट चाहिए और दूसरा हमारे पास क्या चाहिए टेम्परेचर। अब जरा देखो दोस्तों हमारे पास गोल क्या है कंडीशन सेकेंडरी बताओ हमारे पास अल्कोहल के लिए सेकेंडरी अल्कोहल से पूरे बात कर इसमें भी आपको पूरे करना क्या है डिहाइड्रोजिनेशन। ये क्या था सी एच थ्री क्या था बताओ सी बी टू बात कर हमारे पास सी एच थ्री और गुड़े बताओ क्या था हमारे पास यहाँ पे क्या था ओ एच था ना दोस्त और क्या था बताओ एच। अगर बेटू इसका एच हटा देते हो बेटू बात को एक एच हटा इसका हटा देते हो मतलब एक कार्बन पे जाएगी OH के जाएगी तभी तो एक एक बैलेंस ही कम होगी मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बना पाओगे आप ठीक है। तो गुरु क्या बन गया बताओ कीटोन बन गया कि नहीं बन गया क्या बन गया दोस्त कीटोन। और कीटोन का बुरी बात करेंगे ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता ये क्योंकि जब तक इसको कैरी तो गया हाई टेम्परेचर। तो कंडीशन की बात ये है कि अगर पूरे सेकेंडरी एल्कोहल पर K4 की रिएक्शन कराते हो तो बुरी बात करें क्या बनने वाला है बेटू आपका आपको बनने वाला है कीटोन। किसके द्वारा बताओ बेटू बात करें वाई डिहाइड्रोजिनेशन किसके द्वारा मतलब क्या करना दीदी आपको यहाँ पे माइनस एच टू हाइड्रोजन को हटाना ऐसे यहाँ भी क्या किया आपने माइनस एच टू पहले स्टेप में हाइड्रोजन को हटाया एसिड बनाया और दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन को जोड़ दिया सोच पा रहे तो एसिड बन गया। अरे जब हाइड्रोजन को हटाओगे तो इस तरह से ग्रुप बनेगा ना भैया सी डबल बॉन्ड एच ये आएगा तो उसके नहीं आएगा इस ऑक्सीजन को इसके बाद दी हमने हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ दिया तो एसिड बन गया। आपने जब बेटू बात कर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया तो हाइड्रोजन हटाया इसलिए तो बुरे बात कर तो छोड़ गई ये पढ़े थे प्रोसेस कि भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है बात करें नेगेटिव एलिमेंट का जोड़ना या बेटा बात करें हाइड्रोजन से पॉजिटिव एलिमेंट का हटाना ये कहलाता है क्या ऑक्सीडेशन। देखिए रिडक्शन क्या होता है नेगेटिव एलिमेंट को हटाना और बुरे बात कर समझ पा रहे हो ऑक्सीजन बोला ना ऑक्सीजन क्या होता है नेगेटिव एलिमेंट को जोड़ना प्रोडक्शन क्या होता है नेगेटिव एलिमेंट को हटाना ऑक्सीजन क्या होता है बताओ पॉजिटिव एलिमेंट को हटाना तो ये बताओ प्रोडक्शन क्या होता है पॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ना सोच पा रहे सीधी सी बात है तो बताओ गुरु मैंने पहले स्टेप में हाइड्रोजन हटाया मतलब किसको हटाया पॉजिटिव एलिमेंट को ऑक्सीडेशन कर दिया दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया नेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दिया मतलब क्या कर दिया ऑक्सीडेशन कर दिया सीधी सी बात है समझ में आ रहा है क्लियर बात करें तो अगर बेटू बात करें यहाँ भी आप वही कर रहे हो मतलब जब सेकेंडरी एल्कोहल है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन इंटीग्रेशन कराओगे वो पूरे बात करें डिहाइड्रेशन कर देगा मतलब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा कार्बन से भी और OH के हाइड्रोजन मतलब एक आपके फंक्शन ग्रुप से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा बेटू बात करें तो क्या बन जाएगा बेटू बात करें बताओ कीटोन बन जाएगा। लेकिन कीटोन के लिए पूरे बात करें स्ट्रॉन्ग आपके पास एजेंट तो है पर हाई टेम्परेचर नहीं है तो पूरे बात करें आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट ही मिल जाएगा सोच पा रहे मतलब इसके आगे बेटे बात करें दो फ्यूचर है कितने फ्यूचर है बोलो दो फ्यूचर बेटू बात अब दो फ्यूचर का मतलब क्या दीदी ये तो बन गया। लेकिन अगर दीदी ये प्रोसेस आप कहाँ कर रहे हैं बेटू बात करें रूम टेम्परेचर कहाँ कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे तो बेटे बात करें आगे नो रिएक्शन समझ पा रहे हैं तो आगे रिएक्शन अब नहीं होगी मतलब बेटू बात करें मेरे लिए प्रोडक्ट यही है। और अगर दीदी बात करें आपको यहाँ पे दे दिया उसने हाई टेम्परेचर है क्या दे दिया कि उड़े बात के जो आप एक्शन कर रहे हो ना ये कहाँ कर रहे बेटू बात करें हाई टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब हाई टेम्परेचर दिया कि नहीं दिया और हाई टेम्परेचर अगर आप दो बुरे बात करें तो इसकी रिएक्शन अगेन हो जाएगी और बेटू बात करिए किसके साथ चला जाएगा इसके साथ दो दीदी बात का एसिड बनने वाले समझ पा रहे दो टाइप के एसिड बनेंगे मतलब एक कीटोन बुरे बात करें किसी एक ग्रुप के साथ जाएगा लेकिन यहाँ पे दोनों सिमिलर है तो बुरे किसी के साथ भी ले जाओ मतलब यहाँ जो एसिड बनने वाले वो कम कार्बन के बनने वाले हैं। जरा दीदी यहाँ पे देखा तुमने इसमें एल्कोहल में प्राइमरी जब बुरे बात एल्कोहल था तो बुरे बात कर उतने ही कार्बन के एसिड बनाया जितने कार्बन का एल्कोहल था 1 2 3 कार्बन का था तो बेटा तीन कार्बन का एसिड बनाया 1 2 3 बनाया कि नहीं ये प्रोपेनॉल था ये बेटा प्रोपेनॉलिक एसिड है। लेकिन बुरे बात करें जब हमारे पास क्या होता है 2 डिग्री एल्कोहल होता है सेकेंडरी एल्कोहल होता है तो बुरे बात करें अगर हाई टेम्परेचर दिया तो बुरे बात करें कम कार्बन का एसिड बनता है तो एक नहीं बनेगा दो दो बनते हैं मतलब बुरे बात करें ये ग्रुप जो है बेटू कौन सा ग्रुप है कीटोन वाला ग्रुप की बात करें एक के साथ चला जाता है समझ पाए छोटे ग्रुप के साथ पर आप बोलोगे छोटा का है तो दोनों तरफ बराबर ही थे तो बुरे बात करें एक बन जाएगा दो कार्बन के एसिड एक बन जाएगा एक कार्बन के एसिड पर आपको पता है एक कार्बन के एसिड फिर से बनते ही टूट जाएगा क्योंकि एक कार्बन के एसिड को बनाएगी क्या फॉर्मेशन दीदी बात करें तो दो कार्बन के एसिड बनाओ जरा दीदी अपने क्या बनाया सी एच थ्री और सी डबल एच तो ये तो बन गया बेटू बात करें दो कार्बन के एसिड क्या एसिडिक एसिड और एक बनेगा दीदी बात करें एक कार्बन के एसिड फॉर्मेशन लेकिन फॉर्मेशन को फिर से तोड़ना पड़ेगा तो मैं सीधा लिख देता हूं क्या बन गया बेटू बताओ CO2 और वाटर आ रहा है यार दोस्त क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से बात करें आपको देखना है हो पाएगा आगे पूरी बात करें आपको रिएक्शन देते हैं पहले इसको जरा नोट करो फिर अपन बात करते हैं ठीक है। बॉन्ड हमारे पास क्या सी एच टू ठीक है पूरी बात करें सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी दीदी बात करें ठीक है हाँ सी एच ओ एच सिंगल बॉन्ड बेटू बात करें सी एच टू सी एच और सी एच टू और सी एच थ्री ठीक है बेटा इसके ऊपर रिएक्शन कराई आपने बेटा किसकी कराई रिएक्शन पे बात करें हाँ K2 CR2O7 इन एसिडिक मीडियम
एसिडिक मीडियम में वीडियो बात करें इस कंपाउंड के ऊपर, मतलब ऐसे कंपाउंड कुछ कुछ भी बना सकते हैं आप खुद बनाओ ठीक है, वीडियो बात करें तो बताओ क्या करेंगे। अगर इसके ऊपर रिएक्शन की बात करें K2Cr2 की एसिडिक मीडियम हमने रिएक्शन कराए तो वीडियो बात करें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताइए। एल्कोहल कौन सा बेटा बात करें, सेकंड एल्कोहल। दीदी आप जानते हो ये कौन सा एसिडिक वीडियो बात करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जानते हो जानते हो। ये वीडियो बात करें कंपाउंड को तब तक नहीं छोड़ता है बेटू बात करें जब तक कंपाउंड क्या बदल जाए, एसिड बना बदल जाए। लेकिन वीडियो बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्या हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं, क्योंकि 2 डिग्री का आदमी जुड़ा था एल्कोहल तो अपन क्या बोलेंगे 2 डिग्री की बात करें एल्कोहल। जैसे को दीदी बात करें क्या बोलते हैं बेटू बात करें सेकेंडरी एल्कोहल, क्या बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। बोलोगे दोस्त नहीं बोलोगे तो क्या करोगे दोस्त बताओ, सबसे पहले अपन क्या करें डिहाइड्रेशन करेंगे, करोगे नहीं करोगे तो क्या बनेगा बेटू बात करें बताओ, हमारे पास कीटोन बनेगा। CH3 की बात करें सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ग्रुप बात करें क्या आ गया दिख रहा है दोस्तों आपको CH2 और CH3। क्या दीदी बताओ यह प्रोसेस रुकेगी नहीं, अभी ये बात करें क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये ऑक्सीडेशन कब होगा बेटू बात करें, अगर साथ में तो क्या दिया जाए हाई टेम्परेचर दिया जाए, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर नहीं दिया तो प्रोसेस केवल यही रुक जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने दे रखा था दीदी बात करें ये दे रखा था पहले स्टेप और दूसरे स्टेप लिखा था बेटू यहाँ पे हाई टेम्परेचर, क्या लिखा था इसका मतलब समझ गया आपकी हाई टेम्परेचर भी है क्या बेटू बात करें हाई टेम्परेचर ठीक है। तो बोले आपको फिर तोड़ना पड़ेगा इसको, तो जब तोड़ोगे बेटू बात का हाई टेम्परेचर दिया जाए तो क्या बनाने दो प्रोडक्ट बनाने, कितने प्रोडक्ट बनाने बेटू बात का, मतलब अगेन ऑक्सीडेशन हुआ बुढ़िया। और एक तो जो हमारे पास एक कीटोन ग्रुप होता है कौन होता है बेटू, ये नोट करके दीदी आपको याद रखना है, क्या करके याद रखना है नोट करके याद रखना है बुढ़िया बात कर ठीक है जी बिल्कुल। कीटोन ग्रुप हाँ कि ना बेटू बात कर गोस विथ स्मॉल एंड स्मॉलर पूरी बात करें कार्बन ग्रुप, छोटे कार्बन ग्रुप के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा बताओ बेटू बात करें, ये पूरी बात करें हमेशा नोट करना है। अगर हमारे पास पूरी बात करें 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पूरी बात करें हाई टेम्परेचर में कराते हो तो आपको पता है कि हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में पूरी बात करें कीटोन टूटेगा, और कीटोन अगर टूटेगा बेटू बात करें तो कीटोन को हम किसके साथ ले जाएंगे बात करें, तो इसको बेटा ले जाऊंगा कीटोन किस तरफ बोलूं बताओ, एक कार्बन है कि नहीं बेटा, और इस तरफ बोलूं कितने कार्बन, 3 कार्बन है कि नहीं, तो कीटोन किसके साथ जाएगा छोटे ग्रुप के साथ, समझ में आ रहा है। मतलब बेटा बात करें यहाँ से कंपाउंड को तोड़ दो बोलूं तो एक तो बनेगा 2 कार्बन के एसिड, कितने कार्बन का बनेगा बात करें 3 कार्बन के एसिड, मतलब यहाँ पे क्या बनेगी बेटा 2 एसिड बन जाएंगे CH3। इस कार्बन को बोलूं बताओ 2 कार्बन के एसिड क्या बनेगा CH3 देखो यहाँ पे कितने कार्बन का दीदी एल्कोहल था 5 कार्बन का, याद है दोस्त। लेकिन जब दोस्त आपको एसिड मिले बोलू तो कम कार्बन के मिलेगी मिले, ये मैंने नहीं कहा दीदी कि कितना कम कार्बन मिलेगा, इससे एक कम कार्बन मिलेगा 2 कम कार्बन मिलेंगे, पर गुरु इतना जरूर बोलते बेटा कि कम कार्बन का मिलेगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मतलब गुरु सीधी सी बात है ठीक है, हमें करना क्या है, जब भी बुढ़िया बात का 2 डिग्री एल्कोहल होगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बुढ़िया बात के सबसे पहले तो डीहाइड्रोजनेशन के द्वारा बनाना है कीटोन, और कीटोन के साथ अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर दे रखा है तो गोलू फर्दर ब्रेक होगा बेटा बात करें किसमें, 2 गोलू बात करें कार्बन के एसिड में। अब इस 2 कार्बन के एसिड कौन सा बनेगा बेटा, CO को ले जाओ हमेशा किसके साथ छोटे कार्बन के साथ, तो इसलिए अपने क्या लिखा बेटा बात करें कीटोन ऑलवेज बेटा बात करें ठीक है गोस विद बेटू बात करें स्मॉलर कार्बन ग्रुप, दूसरी बात करें जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है वो छोटी कार्बन की चेन के साथ जाएगा। दूसरी बात करें यहाँ पे दो तरफ देखो हमने कीटोन किस तरह दीदी 1 कार्बन था, कीटोन किस तरह 3 कार्बन की चेन है, हमने बेटा बात करें इसको 1 के साथ ले गए तो बुढ़े बात करें 2 कार्बन के एसिड ये बन गया और 3 कार्बन का एसिड ये बन गया, समझ में आ रहा है। ये बुढ़े बात का फाइनल प्रोडक्ट है। ये दीदी बात करें IIT बीटू बात करें पता है, और नीट के जो बुढ़े बात के पहले करके होते थे प्री और मेंस होते थे, मेंस में बुढ़े बात करें क्वेश्चन कैसे आते थे कम आते थे, मैंने देखे मेंस में क्वेश्चन लेंदी आते थे अच्छे क्वेश्चन आते थे गुरु, तो ये पता और मेंस से आएगा, अगर ये बुढ़े क्वेश्चन आया तो ये आप ही घर पाओगे, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बुढ़िया बात करें अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो बस सोच ही नहीं पाएंगे ठीक है, तो इसको बेटा बात करें नोट करके बोलू बात करें तो मैं लिखना है, लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। अब इसकी बात दीदी अगर आपने ऐसा कर लिया तो एक क्वेश्चन बस मुझे बता दो बेटा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा है ना, अगर अपने लिया बुढ़िया बात करें CH2 ठीक है दोस्त, डबल बॉन्ड बुढ़िया बात करें सी, सिंगल बॉन्ड बेटू बात करें CH3 ठीक है, और बुढ़िया बात करें क्या है सिंगल बॉन्ड CH3, ये दिख रहा है दोस्तों दिख रहा है, ये रियल में दीदी बात करें है क्या, ये है हमारे पास बेटू बात करें 2-methylpropene आ रहा है 1-2-3 दीदी बात करें तो ये क्या है बताओ 2 का मेथिल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे बेटू बात करें 2-methylpropene। अगर इसके ऊपर दीदी मैं रिएक्शन कराऊं किसकी रिएक्शन की बात करें K2Cr2O7 बेटू बात करें इन स्ट्रॉन्ग मतलब दीदी हाँ एसिडिक मीडियम
हाँ कि ना, ओहुरुवात के विद हाई टेम्परेचर, किस में कर रहा है बेटू, हाई टेम्परेचर। अब आप समझ के ओहुरुवात के कीटोन का भी ओहुरुवात कर, पता है खैर नहीं है, कीटोन को भी किसे बदलना पड़ेगा, एस्ट्रो बदलना पड़ेगा, लेकिन कीटोन का तोड़ना हम सीखे दोस्त, हमेशा कीटोन ग्रुप किसके साथ जाएगा, छोटे ग्रुप के साथ जाएगा, और दूसरा जो बड़े ग्रुप, बड़ा ग्रुप कार्बन ग्रुप बचा है, बड़े कार्बनिक चेन बची है, वो भी किसे बदल जाएगी दोस्त, एस्ट्रो में। ठीक है, चलो बताओ ओहुरुवात कर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो जानते हैं उसको तोड़ोगे दोस्त, तो जिसे कोई बात कर डबल बॉन्ड तोड़ा तो गुरु एक ऑक्सीजन इसको मिल गया और एक ऑक्सीजन इसको मिल गया, दो कार्बन का दीदी ऐसे एक कार्बन का एसिड बना पहले, तो गुरु बात की क्या है फॉर्मेकेशन, तो फॉर्मेकेशन दीदी बात कर पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, फिर फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फिर दीदी बात को फॉर्मेकेशन बना कि नहीं बना, तो फॉर्मेकेशन को दीदी कैसे तोड़ देंगे, CO2 और वाटर, मतलब एक प्रोडक्ट तो बेटा बात कर मुझे क्या मिलने वाला है, CO2 और वाटर, ठीक है, प्लस बुढ़े बात कर दूसरा प्रोडक्ट मुझे क्या मिलने वाला है, कीटोन, मतलब दीदी बात करें क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, लेकिन आप जानते बुढ़े बात कर सैमसंग कार्बन है इसकी इस तरफ, तो किसी के साथ भी ले जाओ तो एक कार्बन बन जाएगा गुरु, बताओ किसका, कितने टाइप के प्रोडक्ट बने दीदी, अपन बोलेंगे बेटे बात करें दो टाइप के, एक तो गुड़े एसिड के सर, एक गुड़े बात करें क्या CO2 और वाटर, दो टाइप के प्रोडक्ट बने, समझ पा रहे, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो क्वेश्चन गुड़े बात कर बहुत टफ नहीं है, अगर आपने पहले से क्वेश्चन किए ना बेटू बात करें तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है दीदी बात करें कुछ नोट स्पेशल करके, दीदी बात करें सेकंड नोट, दीदी बात करें जो आपकी एनसीईआरटी की बेटू बात करें रिएक्शन से, ये गुड़े बात करें अपन किसकी देखेंगे, ऑक्सीडेशन देखेंगे, पर गुड़े किसकी हेल्प से देखेंगे बेटा बात करें, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, विद द हेल्प ऑफ जी कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, याद रहे गुड़िया, कॉपर की बात करें 300 डिग्री सेल्सियस में जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सबसे पहले गुड़िया बात करें अपने उठाया 1 डिग्री अल्कोहल, क्या उठाया दोस्त, 1 डिग्री अल्कोहल, दीदी जानते हो जब गुड़िया बात करें कोई अल्कोहल CH3 बात करें CH2 बात करें OH, जब बेटू बात करें कोई अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट केवल एक कार्बन से जुड़ा है, देखिए इस कार्बन को बोलो तो ये कार्बन क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट इधर भी जुड़ा है उधर भी, तो ये 2 डिग्री है कि नहीं बेटू, और ये कार्बन के साथ 1 डिग्री है, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा, तो ये भी कैसा 1 डिग्री, जो कार्बन केवल डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो, जो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा वो होता है 1 डिग्री, और जो कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन जुड़े वो होते 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, सीधी तो बात है, अगर बेटू बात कर इसके ऊपर हम रिएक्शन कराए किसकी बताओ, गुड़े बात कर एग्जैक्ट, गुड़े बात कर कॉपर 300 आ रहा नहीं आ रहा, कॉपर गुड़े बात कर एट 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब दूसरी बात करो हल्का फुल्का टेम्परेचर हो गया 300 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा है, जैसे सोचो गुड़े बात कर 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 केल्विन, दीदी बात करो सोचो 300 मतलब कितना हो जाएगा, सोच पा रहा हूँ गुड़े बात करें 573 केल्विन, कोई हल्का टेम्परेचर है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस दीदी बात कर पानी की हालत खराब हो जाती है और पानी वेपराइज हो जाता है, 300 की गुड़े बात के इंसान तो ठीक है गुड़े बात करें, पता है लोहा तक कांपने लगता है, समझ पा रहे हो, कंडीशन भी बात कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो अब जरा आती गुड़े अपन सेकेंडरी अल्कोहल पर किस पर दोस्त बताओ, CH3 गुड़े बात करें, ठीक है सी बेटू बात करें एच, चलो इसको इधर से लेते हैं CH गुड़े बात करें OH, अरे यार तो उसकी नहीं आ रहा, और CH3 अगर आपका दिल करे तो गुड़े अपन H को ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसे समझ रहे ना पहले से, चार हुई कार्बन की नहीं हुई 1 2 3, अरे दिख रहा दोस्तों, और कार्बन ऊपर ही हाइड्रोजन ऊपर ही है, पर मैंने एक साथ दिख दिया ताकि मुझे अच्छा लगे, आपका दिल करे तो ऊपर फैलाओ क्या, क्योंकि इतना तो समझने लगे होंगे ना दोस्त अपन, और कॉपर दीदी किस पर ले लिया 306 पर, दीदी बात करें तो ये कौन सा था बताओ बेटू बात करें जी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या था बताओ बेटू बात करें 2 डिग्री अल्कोहल, बहुत अच्छा, और ये क्या बेटू बात करें 3 डिग्री अल्कोहल, अब क्या करें बुढ़िया बात करें, करना तो पड़ेगा, तो कैसे करें बेटू बात के रिएक्शंस को, सीधी सी बात है, क्या करो बुढ़िया बात करें CH3, क्या करो बेटू सी, क्या करें CH3, और क्या करें CH3, अभी तो 3 डिग्री बना कार्बन, अब 3 डिग्री कार्बन से गुड़े जो OH क्या कहलाएगा OH, समझ पाए, अभी हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बोला दोस्त 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ गुड़े OH 1 2 और 3, ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़ा है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ गुड़े बात OH कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, आया दोस्त, ये कौन सा अल्कोहल, ये कौन सा है, और ये कैसे दोस्त, ये गुड़े बात कर अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे,
कारण क्या था आपके? ये 2 डिग्री कारण था तो उसके नहीं था, और ये बोलो बताओ 3 डिग्री कारण था कि नहीं था? कोई ऐसा तो नहीं कह रहा है सर 1, 2, 3, 4 डिग्री कारण हो गया। बहुत 4 है, बैलेंस ही 4 है, लेकिन मुझे डायरेक्ट कार्बन कितने से जुड़ा है? 3 से। कई लोग देख रहे होंगे ऐसा की 1, 2, 3, 4, ये ऐसे उंगली फेरता समझ पा रहे, हम भी घुमाते जाते हैं। आया आया दोस्त, घर जाके फिर चिल्लाना मत, है ना? वो तो बात कर रहे, तो बताओ इनके बाद क्या बनेगा? तीनों के दीदी बात के प्रोडक्ट को देखें, ठीक होता है क्या दोस्त? होता है पूरे बात करें क्या? डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। बात का फैला के देख ले थोड़ा सा, OH को बोलो देखो जरा बेटा, ठीक है? क्या हम गुरु बात कर OH को ऐसा लिख सकते हैं? क्या दीदी बात कर इसके एक H को हम नीचे लिख सकते हैं? CH2 है ना, ऊपर नीचे फैलाते, तो एक गुरु बात का हाइड्रोजन को हमने नीचे लिख दिया। दीदी बताओ क्या होगा बेटू बात कर? डिहाइड्रोजिनेशन। क्या निकालना बेटू बात कर? एक दीदी बात कर H किसका निकाल दो? ऑक्सीजन का। एक किसका निकाल दो? CH2 का। और बोले सोचो अगर एक ऑक्सीजन का चला, एक हाइड्रोजन चला गया बोले ऑक्सीजन का, तो एक वैलेंसी कम हो गई। आपको पता ऑक्सीजन में से 2 बॉन्ड बनाता है। और कार्बन का दीदी बात करें, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ऊपर हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, पर एक हाइड्रोजन चला गया तो 4 वैलेंसी में से 1-3 बची, इसकी भी एक वैलेंसी कम हो गई। मतलब के बीच में क्या बना था? मतलब बुरी बात का जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बन गया दोस्त? वो बन गया दीदी एल्डिहाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। बुरी बात करें क्या था? अच्छा CH है ना, तो बुरी बात का CH। और डबल बॉन्ड के द्वारा दीदी क्या जुड़ गया? एग्जैक्ट बोलो, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया बिटू बात करें, हमारे पास ऑक्सीजन मतलब बन चुका बिटू एल्डिहाइड। क्या बन चुका है? तो दीदी बात करें क्या बनेगा दोस्त? एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता दोस्त? अब दीदी बात करी हमेशा के लिए याद कर लो, ये क्या पढ़ रहा है बताओ? बुरी बात कर, तुम यहाँ पढ़ रहे रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये पढ़ी दीदी बात करें एल्डिहाइड बनाने की मेथड। क्या पढ़ रही हो? तो बेटा बात करें एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की मेथड पता चली। दूसरी कंडीशन आपने क्या पढ़ा बेटू बात करें? एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है। क्या है दीदी ये बताओ? एल्कोहल का बुढ़िया बात करें कॉपर की रिएक्शन करें तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। कोई पूछे बताओ बेटा आपके एक मेथड बताओ जिससे एल्डिहाइड बनाए, तो अपन क्या कर देंगे? एल्को प्राइमरी एल्कोहल के ऊपर कॉपर रिएक्शन करके क्या बना देंगे दोस्त? सोच पा रहे? इसके पहले गुड़िया अपन प्राइमरी एल्कोहल ले रहे थे, लेकिन अगर इनकी रिएक्शन कराई थी गुड़िया तो तब तक नहीं रुक रहे थे, लेकिन हमें तो चाहिए एसिड, हमें चाहिए एल्डिहाइड। सोच पा रहे दीदी बात करें? यहाँ से गुड़िया बात करें बताए आपके गुड़िया बात करें गाँव की दूरी है 10 किलोमीटर। आपके गांव में थी ट्रेन जा रही थी, सोच पा रहे? वो ट्रेन ने बोला हम फ्री में तुम्हें छोड़ देंगे, समझ पा रहे? तुम्हारे गांव से निकलते तुम्हारी ट्रेन में मतलब वहां तक फ्री बैठ सकते हो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम तुम्हारे गांव से जाते हैं 100 की स्पीड में, समझ पा रहे? 100 किलोमीटर बराबर की स्पीड में। क्या तुम ट्रेन में बैठना पसंद करोगे? तुमने अपने गांव तक गांव देखते जा रहे, मेरा गांव ये चला रहा, और उसने बोला कि हम डायरेक्ट रुकते हैं 500 किलोमीटर के बाद, तुम्हारे घर कितना था? 10 किलोमीटर। तो तुम क्या वो फ्री के चक्कर में दीदी बात कर 500 किलोमीटर जाओगे? चलो 500 किलोमीटर फ्री लेगी, उधर से उसने बोला हम तुम्हारा कुछ नहीं जानते, उधर तुम वापस आओ। तो बताओ बुरी बात करें 490 किलोमीटर का पैसे देती आएंगे, इससे अच्छा है कि इधर से 20-10 किलोमीटर के पैसे किसी टेम्पो में चले जाए। सोच पा रहे हो? तो तुम्हें चाहिए क्या दीदी बात करें? एल्डिहाइड। और तुम इनको लेके बैठ गए कि सर बनाते तो है बीच में एल्डिहाइड, सर बीच में छोड़ा देंगे, बीच में नहीं तुम छुड़ा पाओगे, बीच में ट्रेन तुम्हारे गाँव से गुजरेगी पर रुकेगी नहीं, और तुम गाँव से अगर ट्रेन में से कूदे तो तुम बचोगे नहीं। सोच पा रहे हो? तो कंडीशन क्या है दोस्त हमारे पास, मतलब ऐसी ट्रेन में नहीं हमें चाहिए ये दीदी बात कर, तुम उसको ही पकड़ेगी ना जो बुढ़े बात कर ये दे दे यहाँ रुक जाए, कोई आ रहा नहीं आ रहा, टेम्पो कर दीजिए दीदी बात कर 10 किलोमीटर जाना 20 रुपए ले लो भैया हमारे गांव में रुक जाओ, हम बोलेंगे रुक तो जाएगा वहां पे। तो आप ये करिए ट्रेन में नहीं बैठना, सोच समझ के बैठना है, ठीक है? क्योंकि उसका प्लान था कि ट्रेन में बैठ के जाना है। तो अब कंडीशन क्या करें बताओ बेटू? अब ये क्या है बुरी बात करें 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ भी दीदी बताओ क्या इस OH के पास एक हाइड्रोजन है और क्या बेटा इस कार्बन पास हाइड्रोजन है? दिख रहा है गुड़िया? मतलब इसको अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते क्या? यहाँ भी दीदी बताओ क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन बिटू बात का इसका निकाल दो, एक हाइड्रोजन इसका निकाल दो। जब सोचो बोले इसके एक हाइड्रोजन जाएगा तो इस ऑक्सीजन की वैलेंस कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं। कार्बन से दीदी एक हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन की वैलेंस भी, क्योंकि कार्बन की दीदी बात में 4 बॉन्ड होते हैं, तो 3 बचे 1, 2, 3, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब बुरी बात करें यहाँ भी क्या किया आपने, यहाँ क्या किया बताओ दीदी बात कर? हाइड्रोजन निकाले नहीं निकाला, तो बुढ़िया बात के साथ में अपने क्या निकाल दिया दोस्त? H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस। अब पता है गुरु एक चीज और पता चलेगी, हाइड्रोजन गैस बनाने की मेथड है साथ में क्या बनाने की मेथड है? हाइड्रोजन गैस चाहिए दीदी तो मैं एल्कोहल को रिएक्शन करा दूं मुझे हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो जब हाइड्रोजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां इसको बनाने की मेथड है, ठीक है? तो बुढ़िया बात कर क्या मिल जाएगा बेटू बात कर मुझे? हाइड्रोजन गैस, ठीक है? दूसरा कंडीशन दीदी बात करें यहाँ पे क्या हुआ, क्या बन गया? कीटोन, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH3। अगर दीदी बात का बताओ मुझे कीटोन चाहिए, तो बताओ 2 डिग्री एल्कोहल का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करवा दे कॉपर 3 डिग्री, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपके पास बताओ दीदी बात कर कीटोन मिल जाएगा। कीटोन को दीदी क्या बोलती है बताओ? एसीटोन बोलेंगे या गुड़े बोलते हैं प्रोपेन टू बॉन्ड, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा दोस्त? कीटोन। तो गुड़े बात करें कीटोन कब मिलेगा बेटू बात कर मुझे? 2 डिग्री
हाँ जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, और साथ में दीदी बात करें क्या निकल गया हाइड्रोजन, मतलब दोस्त बताओ हाइड्रोजन बनाने की दूसरी मेथड मिली तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि यही पढ़ रहे हो? नहीं, तुम यहाँ तो पढ़ रहे हो, साथ में गुड़िया बात करें एल्डिहाइड वाला टॉपिक निपटा रहे हो, साथ में एल्कोहल वाला टॉपिक निपटा रहे हो, गुड़िया बात कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पढ़ ही लिए, गुड़िया बात कर साथ में हाइड्रोजन गैस वाले बना टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ये आप एक तरह में पढ़ो, जब तुम इसको पढ़ रहे हो दोस्त तो पता है तुम कितने सारे टॉपिक पढ़ रहे हो, एनसेट तुम्हारी कितनी कम होती जा रही है, सिलेबस सोच पा रहे हो, अगर उड़ी 300 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डी बताओ 3 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं, अगर उड़ी बात कर सोचो इसके पास तो हाइड्रोजन है, इसके पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन दीदी बात करें इस बेचारे जो मतलब अपन ने क्या बोलता फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन देखो दीदी OH क्या फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन क्या अल्फा कार्बन, नहीं समझ में आया दोस्त, अल्फा इसके पास देखो तो अल्फा हाइड्रोजन था कि नहीं था, इसके पास दीदी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन क्या अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन था कि नहीं था, पर मुझे सोचो क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो बुरी बात कर यहाँ से क्या हाइड्रोजन किस निकल सकती है, निकल सकते दोस्त क्या नहीं कर सकते हाइड्रोजनेशन गुड़े बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं तो क्या करें ये बात करें अब वो यहाँ पे वो बात करें डिहाइड्रेशन क्या होगा बेटा डिहाइड्रेशन मतलब क्या है पानी निकलेगा गुड़े बात करें तो अभी तक जो आप बेटी बात करें क्या निकाल रहे थे हाइड्रोजन गैस अब निकालेंगे दीदी अपन क्या पानी और पानी क्या निकलना कहला था बेटी बात करें डिहाइड्रेशन क्या कहलाता है डिहाइड्रेशन बेटू बात करें हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है डिहाइड्रोजनेशन क्या कहलाता है हाइड्रोजन जोड़ थोड़ी रहे हो हाइड्रोजन जोड़ तो हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजन हटा रहे तो डी का मतलब है हटाना रिमूव करना डिहाइड्रोजनेशन तो आया दोस्त नहीं आया तो ये डिहाइड्रोजनेशन गुड़िया बात करें ये क्या है बेटू बात करें डिहाइड्रेशन और साथ में गुड़िया अपन ने क्या बोले बेटू अब तो क्या करें दीदी बात करें हाइड्रोजन तो दीदी बात करें देना पड़ेगा किसी को समझ पा रहे तो गुड़िया बात करें बगल में जरा देखो देखा तुम्हें इस कार्बन जुड़ा हुआ गुरु बात करें बगल वाले कार्बन दिख रहा है कि दिख रहा है तो यहाँ से गुड़ी बात कर चाहे इसका निकाल दो चाहे इसका किसी का भी निकाल दो इसको CH2H लिख दी गुड़ी बताओ अरे यार नहीं यार अब आप क्या करें बोलिए अगर इसका हाइड्रोजन निकालते बोलो सोच जरा इसका हाइड्रोजन निकालो सर आप बोलोगे क्या दिक्कत सर इसका हाइड्रोजन निकाल दो ना इसका हाइड्रोजन निकाल देंगे भैया तो ये डायरेक्ट थोड़े जुड़े हैं क्या आप साइक्लिक कंपाउंड बना दोगे क्या ओपन चेन में आपका दिल करे कि सर हम निकाल देंगे देखना हमारा तरीका इसका एच हाइड्रोजन निकाल दिया आप तो गैर नहीं निकलेगा तो आप साइक्लिक कंपाउंड बना दोगे क्या सोच पा रहे हो कंपाउंड तो ओपन चेन था तो ओपन ही कंपाउंड रहेगा इसका मतलब बुरी बात कर आप क्या करें इसका बुरी बात करें हाइड्रोजन जाएगा इसका वैल्यू क्या चला जाएगा OH आ रहा नहीं आ रहा क्या निकल गया दोस्त OH तभी बुरी बात करें कंडीशन क्या होगी इस कार्बन की एक बैलेंस कम होगी क्योंकि इसका OH चला गया इस कार्बन की एक बैलेंस कम होगी OH चला गया तो आपस में दीवार क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या बन जाएगा दोस्त क्योंकि हमेशा जो निकाल रहा है वो एडजेसेंट से निकाल रहा है देखा दोस्त अगल बगल देखा दोस्त अगल बगल तो बुढ़िया बात करें अगल के पास होता बगल के पास नहीं था तो फिर दीदी रेशियो तो होनी अगल बगल में तो फिर दीदी अगल वाले को क्या निकालना पड़ा पूरा OH हाँ। और बगल वाले को क्या निकालना पड़ा तो बुढ़े बताओ क्या निकल गया दोस्त पानी समझ पा ये रिएक्शन कब कराई बेटू बात करें कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर बुढ़े बात करो क्या निकल गया बेटू बात करें वाटर निकल गया क्या निकल गया दोस्त तो जो बचा बोलू बात उसको बना दो बेटा बात करें CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बन गया बेटू CH3 पूरी दिन दिन दी बात करें आप चाहो तो स्केच निकाल देते तो पूरे भैया डबल बॉन्ड बन जाता आप चाहो पूरे बात के स्केच दे देते और इसका उनका वो दे देते तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता सोच पा रहे हो मतलब बेटा बात करिए रिएक्शन को आपको याद रखना कॉपर ने बुढ़े बात कर प्राइमरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन की तो बना दिया कॉपर ने दीदी बात कर उसी कॉपर ने बुढ़े सेकंड एल्कोहल के साथ रिएक्शन की तो बना दिया उसी कॉपर ने बुढ़े बात कर 3 डिग्री मतलब टर्शियरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन की तो बना दिया दीदी बात कर क्या बनाया समझ में आ रहा है मतलब बुढ़े बात करिए रिएक्शन रुकने वाली है बुढ़े बात करें एक टाइप की है क्या रटने वाली है क्या नहीं है आपको बुरी बात कर याद रखना पड़ेगा कि अगर मुझे एल्कोहल चाहिए दीदी बात करें प्राइमरी है समझ पा रहे मेरे पास तो बुरी बात करें अगर मैंने एल्कोहल जो भी मुझे मिला वो प्राइमरी एल्कोहल था उसके ऊपर कॉपर रिएक्शन की तो मुझे किसको दीदी याद रखना है सीधी सी बात है जिस कार्बन पे वो जुड़ा था उसको दीदी किसने एल्डिहाइड पीछे वाला क्या ग्रुप जुड़ा उसको तुम्हें चेंज ही नहीं करना हमने क्या बोले बुरी बात करें सेकेंडरी एल्कोहल की बात करो जिस कारण पे OH था बुरी बात करो उसको अपने किसे बदल दिया बेटा बात करें कीटोन में आगे पीछे क्या लगा दी सबको वैसा वैसा लगा दो कोई मतलब ही नहीं है समझ पा रहे दोस्त हमने बुरी बात करें 3 डिग्री एल्कोहल लिया बेटा बात करें ठीक है आगे गुरु बात करें CH2CH3 तक कुछ पता नहीं कितनी बड़ी चेन थी हम पूरे का पूरा वैसे नोट कर देंगे समझ पा रहे हमें तो मतलब ही बात करें हमें हाइड्रोजन ले रहे तो ये CH2 रहेगा आगे और ग्रुप होगा भैया एक हाइड्रोजन छीन लेंगे समझ पा रहे CH बन जाएगा जैसे बताओ ये CH बना CH2CH3 था तो CH2 बना कि नहीं बना तो बताओ मुझे अब आपने बोला कि अगर इसके कोई आगे ग्रुप जुड़ा तो यहाँ CH2 लिखोगे ना दोस्त क्योंकि एक बैलेंस हाइड्रोजन की किसी का अर ग्रुप ने ले ली है सोच पा रहे हैं तो बेटा बात करें ये दीदी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ठीक है
कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो इसको जरा नोट करो। एक और मुझे बात कर आता है कि अब तो बेटा देखो हमने क्या बनाया, बताओ एलिन बनाने की मेथड पता चल गई, कीटोन की, एल्कीन की, ठीक है। आधा मुझे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट मुझे बात करें हमारे पास आता है, ये मुझे क्यों बताना पड़ा, इसलिए बताना पड़ा मुझे बात करी, कभी एल्कोहल से मुझे मुझे क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए तो मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि ये तो दीदी रुकने वाले नहीं बीच में, सोच पा रहे सोच पा रहे। तो कंडीशन दीदी बात करें, अब क्या था, एक बार बेटू बात करें जो क्या करता है बात करें एल्कोहल को किसम देता है बेटू बात करें एल्कीहल, हाँ बिल्कुल। अगर बुढ़े बात करें कोई भी OH ग्रुप है बेटा बात करें एल्कोहल ग्रुप है, कैसा बुढ़े बात करें एल्कोहल ग्रुप, तो उसके भी कैसे बदल देगा बेटू बात करें एल्डिहाइड में, कैसे बदल देगा एल्डिहाइड में, जी बिल्कुल एल्कोहल, एल्कोहल कैसे बदल देंगे बेटू बताओ हमारे पास एल्डिहाइड में आर सी एच टू ओ एच है, तो क्या मिल जाएगा दोस्त बताओ आपको आर सी एच ओ, देखो दोस्त वही सी एच टू एच को बदला ग्रुप बनेंगे बदला, और वो आर का वैसे ही रखा, ठीक है। बस आपको क्या लेना दीदी बताओ पीसीसी, पीसीसी का मतलब पूरी बात कर रहा हूं पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, आपके एनसीईआरटी का दीदी और क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, इसलिए प्लीज याद रखना रिएक्शन को। एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए किस रिएजेंट का यूज करते हो पीसीसी, दीदी बात कर रहा है इसी नाम से आता पीसीसी, अब अगर इस नाम से नहीं आएगा तो पूरा फॉर्मूला बना के देगा दीदी बात कर रहा है, जबकि आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो पूरे बताओ मैं आपको बना के देता हूं, पूरे बात कर पाइरिडिनियम पूरे बात कर, हां कि नहीं, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट यार दीदी बात कर, आपने पूरे बात कर हमारे पास पाइरिडिन बनाए पायरोल बनाया था फ्यूरल बनाया था बुढ़े बात करें तो बुढ़े बताओ हमारे पास क्या था एंड डबल बोन डबल बोन डबल बोन बताइए, वो बेंजीन था एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया था अपने बुढ़े किससे नाइट्रोजन से, तो बुढ़े बात करें यहाँ पे ये कंडीशन थी, देख रहा है दोस्त यहाँ पे बुढ़े बताओ लोन पेयर था, याद आ रहा दोस्त, पर लोन पेयर बुढ़े बात करें हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक कार्बन बुढ़े एक हमारे पास नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, तो बेचारा बुढ़े बात करें जिसको प्लस आया कि नहीं आएगा, अगर प्लस आया दीदी बात करें तो अभी ये बन चुका है कार्बन, नाइट्रोजन के पांच इलेक्ट्रॉन थे बुढ़े बात कर रहे हैं, इसलिए उसको उन्होंने तीन की जरूरत थी, वो तीन बोन बना रहा था, सोच पा रहे हो, लेकिन उसके एक इलेक्ट्रॉन किसी ने निकाल दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे चार थे, तो उसको चार की जरूरत थी उसको चार बोन बनाने पड़े, सोच पा रहे हो, इसी बुढ़े बात करिए एक और बोन बना देता है, इसको बोलते हैं पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, का मतलब क्या दीदी सोचो, अगर पॉजिटिव पूरा कंपाउंड बन चुका है उसको न्यूट्रल करने के लिए हमको दीदी बात करें किसी कंपाउंड की जरूरत है, तो बुढ़े बताओ अपन लेते हैं सी एल निगेटिव, समझ पा रहे, और दूसरा था इसके पास बेटा क्या क्रोमेट, मतलब क्या था सी आर ओ थ्री, क्या था दोस्त आपको ये जब सीधी दे दीदी बात कर OH दे दी, ठीक है, इसके ऊपर लिख दिया उसने, मुझे बताओ क्या लिख दिया बेटा बात कर PCC, क्या लिख दिया PCC, PCC, PCC का मतलब क्या है पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट, तो भी पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट क्या करता है एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है, मतलब मुझे बात कर इस OH को कि केवल दीदी बात कर CH2H को, क्योंकि एल्डिहाइड तभी बनेगा ना, मुझे बात कर किस कार्बन का है ये, तो इसको मुझे बात करो किसमें बदल दो, बस केवल आप एल्डिहाइड CH बदल दो, पीछे का ग्रुप वैसा था उसको वैसा का वैसे लिख दो, किसका कर सकते बुरे बात करें पीसीसी का पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या बोलते इसको आ रहा है, तो पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट की बात कर हो जाएगा, तो ये रिएक्शन याद है दोस्तों, इसको नोट करो फटाफट दीदी बात कर।